आप सबकी परमिशन से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी। एकेडमी का हमेशा पर्पस ये रहता है कि एज बेस्ट पॉसिबल आप सब लोगों तक ऑकर साइंस की विद्या को आपके घर, दिमाग, शरीर, आपके दायरे, आपके एनवायरनमेंट, हर जगह तक ऑकर साइंस की विद्या को लेके आया जाए, ताकि उसका बेनिफिट आपको भी हो, समाज को भी हो, आपके परिवार को भी हो, आने वाले जनरेशन का भी हो और जो नई जनरेशन उत्पन्न हो रही है उनको भी हो, क्योंकि हम भी वो माध्यम है जिसके द्वारा ये ऑकर साइंसेस फैल सकती है देश विदेश में और भारत एक बार फिर से जगतगुरु कहला सकता है। हम भी वो माध्यम है और कोई नया माध्यम नहीं आना, सरकार कुछ भी प्रयास कर ले माध्यम तो हम ही रहेंगे। तो हमारा भी उसमें एक योगदान, एकेडमी का भी एक योगदान, एकेडमी के सारी फैकल्टीज का एक योगदान और एकेडमी में सारे पार्टिसिपेंट्स का एक योगदान कि इस मुहिम को, इस जो ज्ञान है, जो इस ऋषियों द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया, उसका कुछ ही प्रतिशत ज्ञान आज के युग में उपलब्ध है। ऋषियों द्वारा जो ज्ञान था इतना बड़ा, उसका आई वुड से 10% भी शायद ज्यादा होगा जो ऋषियों द्वारा ज्ञान था, उसका कुछ प्रतिशत ही उपलब्ध है, बट जितना भी अवेलेबल है एटलीस्ट देर इज अ पॉसिबिलिटी टू एटलीस्ट स्प्रेड इट आउट एंटायर इंडिया और एंटायर वर्ल्ड, ताकि भारत एक बार फिर से जगतगुरु की शरण में। वेल सेइंग दिस, एकेडमी हमेशा कोशिश रखती है, प्रयास हमेशा रहता है कि दी कोर्सेज आर टू बी दी पॉकेट फ्रेंडली एंड विद दी वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और ये हमारा लगातार प्रयास है, मिशन है एकेडमी का और ये जारी रहेगा, चलता रहेगा। एंड जो लोग कंटिन्यूस इस चीज़ों पे करते हैं और एकेडमी के साथ कोशिश करते हैं, एकेडमी का ये भी पर्सपेक्टिव रहता है उनको, दे अप्लाइज देम टू रिपीट टू पार्टिसिपेंट्स जो लाइक एकेडमी से कई सारे कोर्सेज किए हैं पास में या करते रहते हैं, एंड गिव देम सम काइंड ऑफ कंसेशन, सम काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, ताकि उनको भी लाभ हो और इट बिकम अ पॉकेट फ्रेंड। सो कंटिन्यूइंग टू डू दैट, हमने स्कीम लॉन्च की थी मई में, कुछ स्कीम्स हमने लॉन्च की थी 3 महीने के लिए, मई, जून, जुलाई, एंड द जुलाई इज गोइंग टू बी एंड ईयर, राइट? टुडे इज द 27th ऑफ जुलाई। द स्कीम वाज एनीबडी एनरोल फॉर द कोर्स एंड द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट, द कोर्स की जो फीस होगी जो अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगी, द एकेडमी विल प्रोवाइड सम डिस्काउंट टू दैट, दैट फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट विल गेट 25% एंड आवर एग्जिस्टिंग मेंबर पार्टिसिपेंट विल गेट 15% डिस्काउंट ऑन टू द फीस। वो आपके सामने, आपको पता है जो लोग मेंबर उनको पता है फीस स्ट्रक्चर क्या है, दे नोज दैट फर्स्ट टाइम को वी विल शेयर इट। एंड द मेजर थिंग इज टू थिंग्स, वन इज दैट हूएवर डू रेफरेंस टू देयर फ्रेंड, कुली, पार्टनर, हूएवर, there is a discount, there is a referral bonus of 15% which will give a credit value के रूप में आपको मिल जाएगा। उस credit के value को आप बाद में किसी भी course आगे use कर सकते हैं। 15% जो वो सामने वाले fee pay करेंगे उसका 15% आपको credit value मिल जाती है जो आप बाद में use कर सकते हैं। Another beautiful scheme is that whoever did 7,000 worth of courses in a month, उनको भी 1,000 rupees का credit value मिलता है and that which they can make use of it in next course में उसको reduce करवा सकते हैं, redeem करवा सकते हैं। Right, and the another thing is that जो एकेडमी के पास प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पार्टिसिपेंट्स के लिए एडिशनल 15% डिस्काउंट हमेशा एकेडमी होती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्लोज फॉर दिस 3 months का स्कीम का वेरी सून, यानी कि 27 जुलाई है, 3 दिन में 4 दिन में दिस इज गोइंग टू बी क्लोज। अब नेक्स्ट मंथ में क्या आएगा ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, पूरी फैकल्टीज मिलकर डिसाइड करेंगी, दैट वी कैन से एज ऑफ नाउ अभी कुछ इसका प्लान में नहीं है। राइट, now coming to the subject, and before that subject I would like to share that jo quantum healing ka subject hai, right, ya jo bhi main bolu healing se related subject hai jo faculty karwane wale ja rahe hain ye subject ko, right, kafi log to already unse subject pad rahe hain, different different subject, but jitne subject wo karwa rahe hain na us subject mein believe me unki hands on practice hai, mastery hai, मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अपना ज्ञान है, उन्होंने जो सी हर एक का अपना अपना डिलीवरी स्टाइल होता है, उन्होंने जो अर्न किया है अपने गुरु के माध्यम से जिस तरीके से, उनका वो सेम तरीके से वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है एज बेस्ट पॉसिबल, एंड वॉट एवर शी नो शी ट्राई टू डिलीवर एवरीथिंग टू दी ग्रेट पर्सन, बिकॉज उनका मानना यह है कि उन्होंने अपने गुरु से लिया और अपने गुरु का जो उन्होंने उनके गुरु ने शिक्षा दी, अगर उन्होंने पूर्ण शिक्षा दी है और वो सामने वाले को पूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे तो वो जस्टिफाई नहीं करता है, वो जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि अगर उनके गुरु ने उनको पूर्ण शिक्षा दी है और वो अपने शिष्य को पूर्ण शिक्षा ना दे, इट्स नॉट जस्टिफाइड। सो दैट इज द बिलीव ऑफ हर,
दैट इज हाउ शी इज कैरिंग दिस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो पीएलआर हो, एनी सब्जेक्ट इन द गोइंग फ्यूचर नियर बाई, कई सारे और सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बट ऑलवेज कैरी विद फुल हार्ट, फुल इंटेंट, फुल विलिंगनेस टू डिलीवर द 100% सब्जेक्ट टू अवर गेट पर्सपेक्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उन्होंने जिनसे सीखा, काफी सारे लोग तो उनमें यूरोपियन है, काफी लोग तो उनमें यूरोपियन है, एंड यू नो दैट डूइंग द कोर्सेज फ्रॉम द यूरोपियन और आउट ऑफ इंडिया, हाउ फैंसी फीस दे चार्ज, बिकॉज उनका तो डॉलर या उनका तो यूरो चलता है ना, अपना तो सिक्का चलता है. तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये सब्जेक्ट जितने भी मार्केट में मिलते भी है, इट्स बीइंग क्वाइट कॉस्टली, एंड शी इज बीन रेडी टू डू विद द एकेडमी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेट पर्सन्स, बिकॉज उनको लगा कहीं ना कहीं समाज सेवा बहुत जरूरी है, और समाज सेवा जब भी हो सकती है जब उनके स्तर पर जाके हम कार्य करें तभी हो सकती है, अगर हम उनके स्तर पर नहीं जाएंगे तो ऑलरेडी जो उनके पास बहुत कुछ है उनके पास ही चीजें रह जाती हैं और स्प्रेड नहीं हो पाती, आगे तक दूर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर हम फीड करते रहेंगे चीजें उसी सेगमेंट में दायरे में रुक जाती हैं और वो फिर उस दायरे में ही चुपती जाती है, आम दायरे के अंदर चीजें नहीं बढ़ पाती. और हमारा प्रयास था कि चीजें सारी हम आम लोगों के दायरे तक चीजें जाए, दूर तक जाए, ये हमारा अकेडमी का प्रयास है. और उसके लिए इन्होंने भी एक संकल्प लिया कि हम अकेडमी के साथ मिलकर जितनी उनको विद्याएं आती हैं, जिन्होंने जितनी भी विद्याओं पर उन्होंने मास्टरी करी है, एक्सपीरियंस गेन किया है, कंटिन्यू टू शेयर इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवर द मार्केट कॉस्ट, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है. Thanks to them, thanks to her for that contribution to the academy and to the great participants. अपनी विद्या इन्होंने कोई YouTube, Google बाबा से एकत्रित नहीं किया, straight from the इनके अपने गुरु और hands-on practice, experience, ज्ञान करके जो किया. मेरे पास हम एक मतलब out of the way but ठीक है. We are planning to start yoga, but उसके लिए कुछ मैं working कर रहा था. तो कल ही मेरी मुलाकात किसी सज्जन से हुई और काफी बुजुर्ग थे वो, 65 साल के हैं वो, इसी विषय पे बात चल रही थी. उनके पास कोई डिग्री नहीं है बट उन्होंने योगा स्वामी रामदेव जी के साथ डायरेक्टली सीखा. कोई डिग्री नहीं है, एट द एज ऑफ 65 उनकी जो बॉडी पर्सनैलिटी और उनका जो योगा था, that is far better than the people have PhD in yoga. And maybe PhD in yoga, maybe doing a professorship somewhere at some great university, but while saying that कि आप करके दिखा दो, तो शायद ना हो उस level, जिस level का वो योगा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको substitute of yoga योगिक ब्रह्मचारी जो है रामदेव जी, उनको उनसे उनके क्षेत्र में बोला जाता है कि ये उनको मतलब यू नो गुरु रिमेंस गुरु, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ऑल अपोलोजाइज टू देम, एंड ही इज द पर्सन हु कैन गिव अ फेस टू टक्कर लाइक दैट काइंड ऑफ योगिक क्रिया. तो पॉइंट ऑफ सेइंग कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट कि जो हमारे आज के फैकल्टी आपको डिलीवर करने वाले हैं, इट इज नॉट समथिंग विच इज फ्रॉम रीड एंड लर्न फ्रॉम द बुक और द गूगल बाबा. It is actually learned from the masters and experience in terms of practicing. And then she is going to be. That's the beauty. चलिए आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं. Now, I request you all to please give a very warm welcome to today's faculty, Ujala ji. Ujala ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है. I request all the participants to please give a thank very you, warm sir. welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. जब वीकेंड्स होता है तो मुझे याद आती है आपकी, अच्छा आज तो क्लास नहीं है. इट्स लाइक ऐसा हो गया है. सो एक्चुअली आप सबके साथ मैंने इतनी बड़ी जर्नी शेयर किया है, इट्स बीन मेनी मंथ्स नाउ, और इतने सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं नया सब्जेक्ट आज लॉन्च करने वाली हूँ तो क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ. इट्स लाइक अब तो ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत तो होती रहती है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करना है बस हमको. तो ऐसी एक फीलिंग आने लगी है मुझे, जैसे कि अभी फैमिली में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं.
So thank you so much, sir, for making a wonderful academy and so supportive. Like, you know, all my students, I love them very much. And the faculty and the people who are working under faculty, I mean, for us. So thank you. I always say, sir, ki such mera ye experience mujhe nahi lagta tha ki itna acha hoga faculty mein. कि मुझे इतना अच्छा लगेगा कि मैं मिस करने लगूंगी अपने क्लासेस को कि जब मैं एक हफ्ता ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि लाइक मैं मिस कर रही हूँ सब लोगों को. सो इट्स लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड. सो आज का जो टॉपिक है हमारा एडवांस क्वांटम हीलिंग, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ये क्या है, एडवांस में हम क्या करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी, जिन्होंने पहली बार क्वांटम सुना है या पहली बार वो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं आज का. क्वांटम हीलिंग जो है, जो फाउंडर है उसके, वो है दीपक चोपड़ा, जो बेसिकली यूएस में रहते हैं बट इन ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया. एंड जितने भी लोगों से मैंने सीखा है जो यूरोपियंस हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ये लोग सब दीपक चोपड़ा के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि दीपक चोपड़ा है जिन्होंने ये क्वांटम वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया है आज की डेट में. हालांकि क्वांटम हम आजकल बहुत सारी मॉडलिटीज में या डे टू डे लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं, लेकिन क्वांटम हीलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीपक चोपड़ा से ही आया है. और जितने भी क्वांटम हीलर्स हैं, बेसिकली दे आर ऑल कायरोप्रैक्टर्स. तो उसमें हमें फायदा ये मिला क्योंकि कायरोप्रैक्टर जनरली इंडिया में उतने नहीं होते हैं, हम लोग उतना उनको वैल्यू नहीं देते, पर बाहर की कंट्रीज में बहुत वैल्यू दी जाती है. कायरोप्रैक्टर बेसिकली आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी की जो मेरिडियंस है, जो नर्व्स है, जो एनर्जेटिक नर्व्स है, उनको वो ठीक करते हैं. तो उनसे क्या होता है कि हमको कुछ नर्व के पॉइंट्स पता चलते हैं और उनके थ्रू उन्होंने कुछ बेसिक चीजें तैयार की जिससे हमारी बॉडी की एनर्जेटिकल हीलिंग हो सके. जैसा आप सबको पता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे हमारी एनर्जी बॉडी ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसीलिए हीलिंग पॉसिबल है, क्योंकि जब हम एनर्जी से अपनी एनर्जी बॉडी को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस जल्दी होता है, बजाय इसके कि आप टैबलेट खाएंगे फिर वो अंदर जाएगी, फिर उसके जूसेस बनेंगे पूरे आपके ब्लड में जाएंगे, फिर वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाएगा. तो जनरली हम जब बीमार होते हैं, जब हमको फीवर होता है, तो 1 से 1.5 घंटा फीवर उतरने में हमको इसीलिए लग जाता है क्योंकि ये जो बॉडी है हमारी इज अ सॉलिड बॉडी. तो दैट इज वाई जब हमारी एनर्जी बॉडी की हम बात करते हैं, एनर्जी बॉडी इज मोर लाइक क्विक टू हील. ओके, एंड सेम वे हमारे गॉड ने हमको इतना प्रोटेक्टेड करके भेजा, इतने लेयर्स हैं हमारी एनर्जी बॉडी के. जो हम पढ़ते हैं कि ऑरा में 7 लेयर्स होते हैं, कोई कहता है 5 लेयर्स होते हैं, इंडिया में एक्चुअली 5 लेयर्स होते हैं. 7 लेयर्स हमारे वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, उन्होंने अपने कुछ रिसर्चेस की और उन्होंने उनको 7 लेयर्स में कन्वर्ट किया. जनरली हम इनको 5 लेयर्स में देखते थे पहले, जो ऋषि मुनीज ने हमें किया. एनीवे, दुनिया बदलती है, चीजें बदलती हैं, तो ये होता है. तो जो हमने बेसिक में सीखा वो हमने ये सीखा कि वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग, द वर्ल्ड इज होलोग्राफिक, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस हीलिंग हमारे लिए पॉसिबल है. और क्वांटम में तो डिस्टेंस हीलिंग इतनी पावरफुल है कि जैसे आप इन पर्सन, मतलब एक जो आपके सामने कोई बैठ के आप हीलिंग करते हैं, जितना वो पावरफुल है, सेम वे आप अपना डिस्टेंस हीलिंग में आपको उतनी ही पावरफुल हीलिंग होती है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई आपके डिस्टेंस से आप हीलिंग कर रहे हो या आप यहाँ बैठ के कर रहे हो. एक्चुअली क्वांटम हीलिंग आने के बाद मैंने बहुत सारी हीलिंग डिस्टेंसेस से करना शुरू किया. सो क्वांटम इज दैट पावरफुल. सो क्वांटम का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि जब आप क्वांटम सीख जाते हैं तो इस क्वांटम को आप किसी भी हीलिंग मॉडलिटी के साथ यूज कर सकते हैं और उसका जो इफेक्ट है 100 से 1000 गुना बढ़ जाता है. आपका जो मेडिटेशन है उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है. जब आपको इंटेंशन डालते हैं क्वांटम फील्ड में, जो कि हमने अफर्मेशन सीखे थे बेसिक में, कि हम अफर्मेशन हम जो रोज करते हैं, जो रट्टाफिकेशन हमारा होता है कि आई एम मनी मैग्नेट, आई एम दिस, आई एम दैट, और हम बोलते रहते हैं, उसको सिर्फ हमें एक बार ट्रांसफॉर्म करना होता है, एक बार करना होता है. ओके, मैं आपको भी बताती हूँ क्वांटम का मीनिंग क्या होता है. सो हम उसको एक बार ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वो 1000 बार कहने के बराबर हो जाता है. तो हमको उसको बार बार कहने के, सर दिन में एक बार हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं.
सो क्वांटम का मतलब जो दीपक चोपड़ा ने बताया, क्वांटम उनके हिसाब से क्वांटम इज मेड ऑफ क्वालिया. क्वालिया इज नॉट अ वर्ड इन डिक्शनरी, बट उनके हिसाब से क्वांटम इज क्वालिया. क्वालिया मीन्स द क्वालिटी, ओके, विच इनहेंसेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज क्वांटम. सो क्वांटम में बेसिकली हम लोग जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे हाथों के बीच में जो हम क्वांटम फील्ड बनाते हैं, उसमें हम अपने जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनको फॉर्म करते हैं. उसी से हमारा क्वांटम फील्ड बनता है. उसी क्वांटम फील्ड को हम यूज करते हैं आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपके चक्रास को हील करने के लिए. दैट ऑल्सो नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, इन ऑल द डिमेंशंस, इन ऑल द एजेस. मतलब आपका जो एक एक मॉलिक्यूल जहां से आया है, हम उसको वहां तक ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है क्लेंस और एनर्जाइज करना, उसको नया रूप देना, विच इज मोर हेल्दियर देन नाउ फॉर योर बॉडी. सो आप जितना क्वांटम करते हैं, उतने आसपास के आपके मॉलिक्यूल्स और एटम उतने ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं. तो जनरली एक रिसर्च में ये देखा गया, जो लोग क्वांटम मेडिटेशन करते हैं या क्वांटम फील्ड रोज बनाते हैं, उनकी स्किन और उनके हेयर्स बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उनके जो आसपास के उनके जो ऑरा का, ऑरा भी क्या है, इट्स अ मॉलिक्यूल और एटम से बना हुआ एनर्जी फील्ड हमारा, राइट, जिसकी एक वाइब्रेशन है, जिसकी एक फ्रिक्वेंसी है. उसको हमने जब एनर्जाइज किया क्वांटम के थ्रू, तो उसने हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट किया, और दैट इम्पैक्ट इज गिव बेटर स्किन एंड बेटर हेयर, डेफिनेटली बेटर हेल्थ. आपकी स्किन और हेयर अच्छे हैं, इसका मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है, करेक्ट. सो दिस इज बेसिक. और क्वांटम में अपने हार्ट, जो हमारा हार्ट फील्ड, हार्ट का जो फील्ड है, जो ऑरा है हमारे हार्ट की, उसको एक अलग कंसीडर किया गया है, कि ये एक अलग ऑरा है हार्ट की, हमारी बॉडी की एक अलग ऑरा है और हमारे हार्ट की एक अलग ऑरा है. जिसकी वजह ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम हमारे रिसर्चेस में देखा गया है कि जितना हम बात करते हैं थर्ड आई की, कि थर्ड आई बहुत जल्दी सेंस करता है, थर्ड आई से हमें ये पता चलता है, मोर देन थर्ड आई योर हार्ट सेंसेस. आपका हार्ट आपके थर्ड आई से पहले कोई भी चीज को सेंस करता है. अगर जैसे कोई सांप आने वाला है, तो मोर देन योर थर्ड आई योर हार्ट विल सेंस. ये रिसर्चेस में प्रूफ हुआ है. सो जो भी कुछ हम करते हैं, बेसिक की बात कर रही हूं मैं अभी इस समय, वो हम अपने हार्ट के फील्ड पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, या हार्ट के फील्ड में ले जाके उसको हील करते हैं, ओके, बिकॉज हार्ट इज वेरी वेरी पावरफुल. एंड उसका एक और रीजन है कि आपके ऊपर के तीन चक्रास, नीचे के तीन चक्रास का जो मीटिंग पॉइंट है, वो भी आपका हार्ट चक्रा ही है. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो आपका हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. एवरी टाइम इट इज वर्किंग फॉर यू, राइट. सो ये भी बहुत ए, और दूसरा क्या है कि आपके हार्ट के जो इमोशंस हैं, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो मनी है, दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर हार्ट. दैट इज वाई इन क्वांटम हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम अपने आप को क्वांटम में ना ही केवल इस लाइफ टाइम में हील करते हैं, हम जब क्वांटम हीलिंग करते हैं, तब हम अपने आप को हर एज में, मतलब हमारे जितने बर्थ हुए हों, हमारे जितने लाइफ टाइम्स रहे हों, हम किसी भी फॉर्म में रहे हों, हर फॉर्म में हम अपने आप को हील करते हैं. क्योंकि हमारे भी बहुत योनियां होती हैं, उसके बाद हमको इंसान का बर्थ मिलता है, ऐसा कहते हैं. तो जो भी है, साइंटिफिकली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एक एक मॉलिक्यूल, हमारा एक एक एटम किसी भी एज से, किसी भी युग से आया, डजंट मैटर. बट जब हम क्वांटम करते हैं, तो हम उसको पूरी तरह से हील करते हैं. हमने इसमें देखा कि हमने बिलीफ सिस्टम्स भी हील किए, हालांकि उसके ऊपर जो वर्क है, अब जब हम एडवांस में जाएंगे, तो हम उसमें ज्यादा वर्क करेंगे. सो जो मेन टॉपिक है हमारा, डीएनए एक्टिवेशन. सो डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है? डीएनए एक्टिवेशन एक ऐसी चीज नहीं होती जो डायरेक्टली मैं किसी का कर दूं तो वो डीएनए एक्टिवेशन हो गया, नहीं. यहाँ पे आप पूरी तरह से डीएनए का साइंस सीखेंगे सबसे पहले, जो बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आप थोड़ा सा आपका नॉलेज डीएनए के बारे में बढ़ेगा, कि डीएनए चीज क्या होती है. बेसिकली आपको मैं इस
वेबिनार में ये बता दूं, मैंने अभी इस वेबिनार में कोई स्लाइड इसलिए नहीं रखी क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था आज के वेबिनार के लिए. दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कि हम लोग और क्या करने वाले हैं. सो जो डीएनए है, डीएनए इज मेड ऑफ लाइट, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है. सो अगर डीएनए लाइट है तो लाइट को तो हम चेंज कर सकते हैं, इट इज इजी, राइट. अगर यही डीएनए कोई सॉलिड चीज होती तो उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बट बिकॉज इट इज लाइट, सो व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द डिवाइन लाइट तो हम उस लाइट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डीएनए एक्टिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए एक्टिवेशन में आपके ब्रेन के जो पार्ट है, क्या होता है हमारे लाइफ में इतना हमारे ऊपर सेपरेशन होता है, इतने ज्यादा कंपल्शंस होते हैं कि ये करना ही है आपको लाइफ में, वो करना ही है लाइफ में, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे. सो हमारा जो अवेयरनेस है ना वो एकदम नीचे चला जाता है, हम दूसरों की बातों पे चलते रहते हैं, हम दूसरों को सुनते रहते हैं, हमको लगता है यही ठीक है और वो हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है लाइफ का कि भाई ये ऐसे ही जाएगी लाइफ. अगर मैं 1,00,000 रुपए महीने कमाता हूँ तो मेरा कोई वर्थ है, अगर 1,00,000 से कम कमाता हूँ तो मेरा कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, या यही मेरी डेस्टिनी है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मैं ये सैलरी ही मुझे मिलेगी, दिस इज माय लिमिट. तो हम अपनी लिमिट मान लेते हैं उसको. डीएनए एक्टिवेशन होने के बाद आपका वो लिमिट हमेशा बढ़ जाता है. जो डीएनए एक्टिवेशन हम यहाँ सीखेंगे ये आपके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 4 times ही होता है, 4 बार से ज्यादा ये डीएनए एक्टिवेशन होता ही नहीं है. तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल होता होगा, राइट. सो यहाँ पे डीएनए एक्टिवेशन में आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसकी जो कैपेसिटी है, पीनियल ग्लैंड कब एक्टिव होता है, जब सुबह के 4 बजे होते हैं, जब अंधेरा होता है, जब सूर्य नहीं निकला होता है. तो हमारी पीनियल ग्लैंड मिस्टिक ग्लैंड इसलिए कही जाती है क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में ही एक्टिव होती है, लाइट में भी कभी भी हमारा पीनियल ग्लैंड काम नहीं करता. इसीलिए हम लोगों को सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करने को कहा जाता है. कई बारी हमारे पीनियल ग्लैंड की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्रिस्टलाइन हो जाता है वो और उतना एक्टिव नहीं रहता. बच्चों में ये एक्टिव होता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और हम उससे परेशान हो जाते हैं. लेकिन डीएनए एक्टिवेशन जिस तरीके से हम यहाँ करेंगे, इट इज इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर. ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत ज्यादा हम हाइपर हो गए या बहुत ज्यादा लो हो गए या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है. क्योंकि एनर्जीज को पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज होना है और कितनी बार होना है और किस तरह से एनर्जी को बैलेंस करना है. तो आपने जब एक बार आपके दोनों साइड के ब्रेन्स को बैलेंस किया या पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया तो एनर्जी जो आपकी एनर्जी है उसको पता है कि इसको किस तरह से बैलेंस्ड मैनर में होना है. उसका बॉर्डर हमको नहीं करना, हमको सिर्फ कमांड्स फॉलो करनी है, जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है और वो डीएनए एक्टिवेशन हो जाएगा. इसके अलावा इसमें मैं कुछ जैपनीज डीएनए एक्टिवेशन के पार्ट्स डाले विच विल मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर. बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में पता नहीं है. देयर इज अ ट्रिपल फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन. उस वो क्या चीज होती है, उससे आपका पूरा हार्ट की हीलिंग होती है. जो लोग हार्ट के पेशेंट्स रहे हैं या जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या जिनके सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर वो ये मेडिटेशन करेंगे तो उनका पूरा हार्ट हील हो जाएगा. और उस केवल एक ट्रिपल फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लास में दूंगी, उसका हम मेडिटेशन करेंगे. अगर वो सिर्फ वही एक मेडिटेशन भी अगर आप रोज करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का जो लिक्विड है, मतलब चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो जूसेस हो, एंजाइम्स हो या किसी भी फॉर्म में, वो सब प्यूरिफाई हो जाता है. तो दैट इट इज दैट मैजिकल. इसके अलावा जो हम बाक फ्लावर यूज करते हैं, तो एक्चुअली बाक फ्लावर में क्या होता है कि बाक फ्लावर इज द एसेंस ऑफ द फ्लावर्स, नॉट इवन एसेंस, दीज आर द वाइब्रेशन ऑफ द फ्लावर्स. इन ए वे एक एनर्जेटिकल फॉर्म में ही हम उसको यूज करते हैं. तो इसमें हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं बाग फ्लावर्स, एक वो सर्टेन नंबर्स में ही है बाग फ्लावर्स. उससे ज्यादा जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा इससे ज्यादा बाग फ्लावर हो ही नहीं सकता, दीज आर द ओनली नंबर्स विच कैन बी यूज. तो उनके हमने कुछ ग्रुप्स बनाए.
तो यहाँ पे जब आप बाक फ्लावर्स यूज करेंगे तो आप इंट्यूटिवली एनर्जेटिकली इंटीग्रेट करेंगे अपने क्लाइंट्स को, अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद उनको फिजिकल फॉर्म में दे दीजिए कि ये बाक फ्लावर आपको रोज यूज करना है, क्योंकि आप रोज सो जाके उनकी हीलिंग नहीं करेंगे सेम बाक फ्लावर की, तो आपको वो बाक फ्लावर उनको सजेस्ट करना है। बट कैसे उन बाक फ्लावर्स को बताना है कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है, इनफैक्ट कि जब आप ये जर्नी करेंगे बाक फ्लावर का पूरा, मेरे ख्याल से एक दो क्लासेस हमारी उसी में निकल जाएंगी कि वो बाक फ्लावर क्यों आया है। जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको बैंग बॉन पता चलेगा, अरे वाह यही तो प्रॉब्लम है मेरी, ये एक चीज है। ठीक है, तो इस जर्नी में, एडवांस जर्नी में हम हर तरह का ट्रीटमेंट सीखेंगे। मतलब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा ना तो आप हर तरह के डॉक्टर दिखाई देंगे उसको, कह रहे इन्हें तो बाक फ्लावर भी आता है और आपको आयुर्वेदा भी आता है। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें ट्रीज का यूज करते हैं, डीएनए एक्टिवेशन में ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रीज जो है अपनी, उनकी एक एनर्जी है, जैसे देवदार का जो पेड़ होता है, कोई बता सकता है कि वो किस प्लेनेट से रिलेट करता है? देवदार के जो पेड़ होते हैं, कोई है बता सकता है देवदार का पेड़ किस किस प्लेनेट की एनर्जी देता है? नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। देवदार सूर्य की एनर्जी देता है, सैटर्न की नहीं, सूर्य की देता है। तो अगर हमको किसी को सूर्य की एनर्जी देनी है तो हम पूरा का पूरा ट्री उसकी बॉडी में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन देर इज अ वे टू चेक कि ये जो एनर्जी है हमारे पेड़ों की। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगी, पूरा एक लिस्ट मिलेगा आपको, उसमें भी ग्रुप्स हैं कि इसमें से, इस ग्रुप में से, इस ग्रुप में से, किस ग्रुप में से आपको कौन सा जो है ट्री इंटीग्रेट करना है उसके लिए, तो वो आपको चेक करना, मैं क्लास में बताऊंगी। और किस कितने ग्रुप्स में से कितने ट्रीज आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वैसे हम 3 ट्री से ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करते हैं, नॉट एट अ टाइम। सो वो 3 ट्रीज हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। और वो पूरे ट्री की एनर्जी जो है आप किसी की बॉडी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए नीम ट्री है, नीम ट्री किस काम आता है? डिटॉक्स करता है कि नहीं? सारे इंफेक्शन निकालता है बॉडी में। अब ये आपको कोई कुनेन की गोले खिलाए, नीम के पत्ते खिलाए, उससे अच्छा मैं कहूँ कि पूरा ट्री इंटीग्रेट कर दूं ना, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, वंडरफुल ना। सो ये क्या होता है कि ये जो हम ट्री इंटीग्रेट करते हैं, इसका पर्पस केवल डिटॉक्स नहीं होता, ट्रीज की एक डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उस एनर्जी से हमारे मेंटल लेवल में, हमारे सोल लेवल में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे इमोशंस में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारा कनेक्शन और भी ज्यादा डिवाइन होता है। बिकॉज ट्रीज आर वेरी डिवाइन, वेरी वेरी डिवाइन। तो हम ट्रीज के साथ हीलिंग करना सीखेंगे। उसके बाद देर आर रेज, रेज ऑफ द गॉड, जो आपने किसी मॉडलिटी में नहीं सुना होगा, किसी मॉडलिटी में नहीं पता आपको पता लगा होगा, लेकिन देर आर डिवाइन रेज। इन रेज को हमने कलर्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया है इसमें कि कौन सी रेज आपको इंटीग्रेट करनी है बॉडी में। और हर जो रे है, रे मीन्स एक वन डिवाइन बीम ऑफ लाइट, उसका अगर आप ये कलर का रे इंटीग्रेट करते हो आपकी बॉडी में तो क्या होगा? अब क्यों करनी चाहिए? ऐसे ही डिफरेंट कलर्स की रेज हैं और उनका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे कि उसमें लिखा होगा कि अगर इसको ये तकलीफ है तो आप ये रे जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। इजंट इट ब्यूटीफुल कि यू हैव ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स विथ यू। यू कैन ट्रीट विद द ट्रीज, यू कैन ट्रीट विद द बाक फ्लावर, यू कैन ट्रीट विद द कलर्स। तो कलर थेरेपी में हम सीखते हैं, वही कलर्स को हम क्वांटम में इंटीग्रेट कर देते हैं और इट इज मोर इजियर, है ना? वो कलर लेने की जरूरत नहीं है, कलर लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन रेज को इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आप एडवांस में डीएनए एक्टिवेशन में सीखेंगे,
सबसे पहले आपको जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक में कि कैसे बिलीफ चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे बिलीफ होते हैं एज चाइल्ड, एज एडल्ट, एज मदर, एज फादर, एज सिस्टर, एज ब्रदर। तो वो सारे बिलीव्स को हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारे बिलीव्स। और उसका एक तरीका है, आपको वो पूरे बिलीव्स मिलेंगे, पूरा आपको उसका डिटेल मिलेगा कि ये बिलीव्स हैं। ओके, वो सारे बिलीव्स हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। उन बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करते ही आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी एंड यू आर रेडी फॉर डीएनए एक्टिवेशन। फिर हम स्लोली स्लोली डीएनए एक्टिवेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम फ्लावर ऑफ लाइफ, जैसे श्री यंत्रा और फ्लावर ऑफ लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। श्री यंत्रा एक इंडियन फॉर्म है, जो हमारे हमारा जो बॉडी वास्तु है, अगर हम उसको हमें सही करना है तो हमको श्री यंत्रा इंटीग्रेट करना होगा आपकी बॉडी में। लेकिन वो कैसे करेंगे, उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको इसमें बताऊंगी। जैसे बहुत सारे लोगों का बॉडी वास्तु ही खराब होता है, इसीलिए उनको कभी अच्छा घर ही नहीं मिलता है। वो जिस भी घर में जाते हैं उनको वास्तु का प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई आपके पास आता है, बोलता है कि भाई हमको हमने क्योंकि बेसिक में अपने घर का वास्तु करेक्ट करना सीखा है डायरेक्शन वाइज, ठीक है, विद द पिरामिड्स जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए, उसको भी फायदा हो रहा है, आपके घर को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आपके घर में जो आएगा वो एक हैप्पी फीलिंग लेकर के आएगा। सेम वे अगर किसी को घर लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो श्री यंत्रा को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उनको बेटर हाउस मिलेगा। उसके अलावा इसका एक और फायदा है, आपके बॉडी का जो वास्तु बिगड़ा है उसका मतलब आपका हेल्थ भी कहीं खराब होगा, तो वो हेल्थ में भी बैलेंस आएगा। जो फ्लावर ऑफ लाइफ है वो भी सेम काम करता है। हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे वहां पे कि जब हम श्री यंत्रा इंटीग्रेट करते हैं बॉडी में, जब उसकी एनर्जी हम बॉडी में डालते हैं तब क्या होता है, और फ्लावर ऑफ लाइफ डालते हैं तब क्या होता है। इन सब चीजों का डिटेल मैं आपको क्लास में दूंगी, ठीक। ऐसे ही आज इसमें एडवांस की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि वेयर इज माई प्लेस ऑन द अर्थ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे क्या करना है यहाँ आने के बाद, मेरा पर्पस क्या है। सो देर आर एट purposes to be on the earth. आठ वजह से आप इस अर्थ पे हो सकते हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि भाई ऐसा क्या है दुनिया में कि भाई मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे लगे कि आई एम फुलफिल्ड, आई एम कंप्लीट, तो मेरी जगह क्या है इस धरती पे, तो देर इज एट प्रोसेसेस टू फाइंड योर प्लेस ऑन द अर्थ। आठ प्रोसेस है उसको, तो वो आठ प्रोसेस हम क्लास में करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो होने के बाद आप जिस पर्पस से इस धरती पे आए हैं, चाहे भले ही आप बीमार रहे हो या आपका फाइनेंशियल क्राइसिस रहा हो या आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, पर आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा, उससे आपका फुलफिलमेंट होगा एंड देन यू कैन रिसीव मोर। डीएनए एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं है कि ये आप यंगर दिखें, यस डीएनए एक्टिवेशन के बाद आप अपनी एज से यंगर दिखते हैं क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आल्सो। डेफिनेटली यू विल लुक यंगर देन योर एज, बट डीएनए एक्टिवेशन का पर्पस सिर्फ इतना नहीं होता। डीएनए एक्टिवेशन का पर्पस होता है आपको एनलाइटेड करना, आपकी अवेयरनेस बढ़ाना, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं सही है, वो अवेयरनेस आपको बहुत क्लियर आती है डीएनए एक्टिवेशन के बाद। डीएनए एक्टिवेशन के बाद जो लोग टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, या तो वो आपसे दूर हट जाएंगे या फिर वो लोग आपसे ज्यादा मैस करेंगे नहीं, बिकॉज जो अवेयरनेस बढ़ती है जब आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ये चीज दूसरों को आपकी ऑरा में दिखती है। बिकॉज जब हम बोलते हैं, मेरे बोलने से पहले मेरी ऑरा आपसे बात करती है, ठीक है। तो जब आप अपना डीएनए एक्टिवेशन करेंगे तो सम पीपल विल फाइंड यू वेरी वियर्ड, लाइक वरा कि ये थोड़े डिफरेंट नहीं लग रहे कुछ, पहले तो ऐसे नहीं लगता था, पहले तो ऐसे बात नहीं करते थे। मेरा एक क्लाइंट
इसका मतलब हार्डली मैंने 2 बार डीएनए एक्टिवेशन किया, उसकी मदर बोलती है ये तो मेरे को मेरा लड़का जैसा नहीं दिखता, इसका तो बात करने का तरीका बदल गया है, ये तो अपनी धुन में रहता है, अभी पहले तो मेरे पास ही बैठा रहता था। मतलब उनकी तकलीफ ये थी कि ये मेरा बेटा कुछ करता नहीं है, फिर उनकी तकलीफ ये हो गई कि अभी मेरे को ध्यान नहीं देता है, ये तो अपनी धुन में रहता है। उस लड़के ने अपनी बॉम्बे में केक की शॉप शुरू की और इतना सक्सेसफुली, जो वो नहीं कर पा रहा था सालों से, वो उसका 2 एक्टिवेशन के बाद हो गया। सो हम लोगों को रास्ते मिलते हैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। हमारा पर्पस क्या है लाइफ में? हमारा पर्पस ये नहीं कि अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है और अच्छे से सो जाना है। हमारा पर्पस है हमको ग्रो होना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, या जो भी आप जिस फील्ड में जो भी करते हो उसमें आपको ग्रो होना है। वो रास्ते आपके डीएनए एक्टिवेशन के बाद खुल जाते हैं, क्योंकि आपके जो लाइट बीम आ रही है डीएनए के थ्रू, जो आप लाइट रिसीव कर रहे हैं वो रिसीविंग आपकी बढ़ रही है। डीएनए एक्टिवेशन का पर्पस होता है आपकी रिसीविंग बढ़ाना। जो चीजें आप आज की डेट में रिसीव नहीं करें, जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि चलिए आज मैं 50,000 रुपए रिसीव कर रही हूँ, डीएनए एक्टिवेशन के बाद शायद मैं 70 या 80 रिसीव करना शुरू कर दूँ, देन एक अवेयरनेस मुझे आएगी कि व्हाई आई एम ओनली रिसीविंग 70 80, अभी मैं 1 लाख भी रिसीव कर सकती हूँ। तो एक अंदर एक इंथुआजम आता है, एक एनर्जी आती है कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। सो एक ओपननेस आती है टू द वर्ल्ड, ऐसा लगता है पूरी दुनिया सब मेरे लिए ही तो है, मैं ही खुद को मतलब पीछे रखे हूँ, मैं मुझे मुझे ही आगे बढ़ना है। जबकि हमारा क्या होता है, अरे लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मुझे तो बढ़ना है। और यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे बढ़ना चाहिए, मेरे लिए तो बहुत काम है दुनिया में, मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी। सो ये तरह का आपका मेंटेलिटी चेंज हो जाता है, जो मैंने देखा है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया केक शॉप वाला, वो लड़का 2.5 साल से अपनी केक शॉप नहीं खोल पा रहा था, और डीएनए सेकेंड डीएनए एक्टिवेशन के बाद ही वो बंदे को गया, वो मेरे को बोल के गया कि मैडम मैं आज जाके बात करता हूँ। वो बंदे ने तुरंत बोला कि हाँ, जबकि वो उससे 2 लाख रुपए और मांग रहा था, बट उसने उसी समय बोला कि नहीं तुम ले लो, चलो करो शुरू करो, तुम बहुत दिन से बैठे हो, ये वो पुराना। तो देट इज द चेंज। जो 2 लाख रुपए वो मांग रहा था, सिर्फ 50,000 उसने एक्स्ट्रा दिया, उसके बाद उसकी शॉप शुरू हो गई। उसके अलावा डीएनए एक्टिवेशन आपके रिलेशनशिप्स में काम करता है। जो रिलेशनशिप्स आपको नहीं चाहिए वो आपको क्लियरली पता लगता है कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है मेरे लिए, अननेसेसरी मैं इसमें क्लिंगी हो रहा हूँ, मैं किसी भी, जैसे लेडीज के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डीएनए एक्टिवेशन के बाद आपको इतनी अवेयरनेस आती है मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बिकॉज रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज ऑन द अर्थ। जब मेरे पास कोई रिलेशनशिप के लिए आता है, मैं सीधे बोलती हूँ भाई देखो उसके लिए टाइम लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन हु इज इन्वॉल्व, आपके साथ 4 लोग और भी इन्वॉल्व हैं इस इश्यू में, तो मैं आपकी हीलिंग करूंगी, लेकिन उसका कनेक्शन दूसरों से भी है, तो इट विल टेक टाइम टू रिजॉल्व, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इतनी समझ आने लगती है कि मुझे जो रिलेशनशिप चाहिए उसको मुझे कैसे मेंटेन करना है, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको कैसे मुझे बाहर निकाल देना बिना कोई अच्छा बुरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीएनए एक्टिवेशन। अभी फिजिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लिक्विड्स होते हैं, जब हम डीएनए एक्टिवेट करते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी लगातार काम कर रही है, बहुत सारे जो हमारे एंजाइम्स है, जो हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन होने चाहिए जो कि नहीं हो पाते, इवन जब आप डिटॉक्स के लिए जाते तभी भी नहीं हो पाते हैं, वो प्यूरिफिकेशन आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी के सारे एसिड्स का अपने आप हो जाता है, आपकी बॉडी की हीट जो है वो डाउन जाती है, क्योंकि हमें जो एजिंग होती है वो हीट की वजह से होती है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, तो आपकी एजिंग जो है ज्यादा होने लगती है, तो वो प्रोसेस नीचे आ जाता है और इसीलिए आप यंगर देन योर एज दिखते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? डीएनए एक्टिवेशन में क्यों ऐसा होता है? उसके अलावा जो नेक्स्ट है मनी एक्टिवेशन। तो जब आपके इतना सारा चीजें रिजॉल्व होंगी, तो हमारे कुछ सर्टेन मनी बिलीव्स होते हैं,
मनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मनी इस तरह से आना चाहिए या उस तरह से आना चाहिए। तो हम लोग कुछ चीजें जो हमारे जो मनी से रिलेटेड होते हैं हम ऑलरेडी सेट करके अपने दिमाग में बैठे होते हैं। तो जब हम एडवांस में जाएंगे तो एक्चुअली हम वो सारे मनी बिलीव्स हम अपने चेंज करेंगे, हम अपने आप को ओपन करेंगे कि चाहे इधर से आए या उधर से आए, अगर मुझे आज 2 लाख रुपए चाहिए मुझे मिलने चाहिए, डजंट मैटर कि इधर से भी आ रहे हैं, जो मैंने सोचा कि बिजनेस से आने चाहिए यहीं से आने चाहिए पर वहां से आ नहीं रहे, जहां से आ सकते हैं वहां मैं ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ उधर, लेकिन जिधर से मैं सोच रही हूँ कि इधर से आने चाहिए उधर से आ नहीं रहे, तो यू आर ब्लॉक्ड। अगर आपको ये समझ आ जाए कि मेरा पैसा तो ये 5 दरवाजों में से तीसरे वाले में से निकलने वाला है, मैं तो पहला दरवाजा ही देख के बैठी हूँ, तो इट्स इजी फॉर यू ना। सो क्या होता है कि हमारे मनी बिलीफ हमको वो ब्लाइंड कर देते हैं कि इधर देखना नहीं है। जैसे ही आप अपने मनी बिलीफ चेंज करेंगे, मनी एक्टिवेशन होगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा नहीं ये करना है मुझे। जैसे मान लीजिए किसी को बिजनेस करना है और उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बिजनेस करूँ, एक्टिवेशन आप उनका कर दीजिए डीएनए का, उनको तुरंत पता लगेगा मुझे ये बिजनेस करना है, उनसे खुद ही लोग आके मिलने लगेंगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे, अपनी फ्रीक्वेंसी को तेज कर रहे हैं। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले हैं, देखिए जिनके पास कम पैसा है, खराब रिलेशनशिप्स हैं, खराब हेल्थ है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं। जैसे ही आपका लोअर फ्रीक्वेंसी में हमने डीएनए एक्टिवेशन किया, आप हायर फ्रीक्वेंसी में आए, हायर फ्रीक्वेंसी में आने के बाद आप नीचे वाले लोगों को क्यों देखेंगे, राइट? लोगों को लगता है कि अरे नहीं गरीबों का ये गरीबों का वो, इट इज देयर कर्मा, इट इज देयर चॉइस, बट मेरी चॉइस नहीं है। मुझे डीएनए एक्टिवेशन करना है, मुझे हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है, मुझे अपने से हायर लोगों के साथ मिलना है और फिर उसके बाद मुझे और बढ़ना है। एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम क्वांटम सीखते हैं, जो हम बेसिक सीखते हैं, उसमें हम केवल एक ही जगह अपने हार्ट एरिया पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम एडवांस में आ जाते हैं हम 3 डेंशियाज, जो फ्रेंच वर्ड है डेंशिया, जिसका मतलब होता है 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ योर बॉडी, हम उन 3 डिफरेंट जोन्स में जाकर के ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एक तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी का वो भी बढ़ जाता है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब आप पहले के जैसे एडवांस में हम एक ही बार करते थे वैसा नहीं, ये आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा एडवांस में आने के बाद। उसके अलावा डीएनए एक्टिवेशन में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर के जो इमोशंस आपने स्टोर करके रखे वो सारे इमोशंस भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, जिनको हीलिंग चाहिए, वो अपने आप होती है। और ये प्रोसेस आपका जब 4 बार हो जाता है डीएनए एक्टिवेशन का, इट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग टू द एंटायर लाइफ। ये डीएनए एक्टिवेशन 4 बार होने के बाद रुकता नहीं है, आपकी लाइफ चेंज होते चली जाएगी, होते चले जाएगी, होते चले जाएगी, होते चले जाएगी, आपका अपलिफ्टमेंट होता जाएगा, क्योंकि वो एक हमने जो किक स्टार्ट था वो हमने कर दिया, जहां पे आप अपने आप को ब्लॉक समझ रहे थे कि भाई मैं ब्लॉक्ड हूँ और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, वो ब्लॉक आपने वो निकाल दिया, अब इट इज फ्लोइंग थ्रू द डिवाइन। सो आपके जो अर्थली बिलीव्स हैं, जो आपके अर्थली कनेक्शंस हैं, उनसे ऊपर उठ के आप सोच रहे हो, मतलब पहले ऐसे समझ लीजिए पहले आप 2nd या 3rd फ्लोर पर रह रहे थे, अब आप 14th 15th फ्लोर पर रहने चले गए, सारी दुनिया दिख रही है अब आपको वहां से, दैट्स द डिफरेंस। सो डीएनए एक्टिवेशन में सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लोगों में देखे हैं उनके थॉट प्रोसेस में देखे हैं, वो उस तरह से नहीं सोचते जैसे वो पहले सोचते थे, उनकी चॉइसेस बदल जाती हैं लाइफ की। इसके अलावा बहुत ही सुंदर आपको मैं मेडिटेशंस करवाऊंगी जिसमें आपके खुद के बॉडी के अंदर कैसे आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी खुद की एनर्जी को, वो सारा कुछ मेडिटेशन होगा। तो जो भी टॉपिक हम लेंगे
हर टॉपिक के ऊपर एक मेडिटेशन होगा, आपका जो डीएनए एक्टिवेशन के लिए भी जो मैं एक एक चीज, पीनियल ग्लैंड कैसे एक्टिवेट होगी, आपका दोनों साइड के ब्रेन कैसे बैलेंस होंगे, हर चीज का पहले एक मेडिटेशन होगा, उसके बाद ही डीएनए एक्टिवेशन होगा। और ये डीएनए एक्टिवेशन ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं आपको सिखा दूंगी कि ये आज का ये पूरा डीएनए एक्टिवेशन अब आपने इतना कर दिया हो। डीएनए एक्टिवेशन का एक एक पार्ट आपको अलग अलग दिन पे मैं बताऊंगी, उसके बाद हम उसको पूरी तरह से एक पूरा लिस्ट बनाएंगे और हम उस लिस्ट के थ्रू फाइनली एक बार में डीएनए एक्टिवेशन करेंगे। क्योंकि आपको सिर्फ डीएनए एक्टिवेशन खुद का नहीं करना है, आपको डीएनए एक्टिवेशन दूसरों का भी करना है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी द प्रैक्टिशनर। सो इट इज नॉट जस्ट दैट कि आपने आपका हो गया तो अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो हर चीज की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगी कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। उसके अलावा आपने हायर सेल्फ तो सुना ही होगा, सब पता है कि सबका हायर सेल्फ होता है, बट यहाँ पे जो हम हाईली स्पिरिचुअल चीज करेंगे वो ये करेंगे, हम ओवर सोल को कॉन्टेक्ट करेंगे। अब ओवर सोल क्या चीज होती है, ओवर सोल को कैसे बुलाया जाता है, ये भी डीएनए एक्टिवेशन का पार्ट है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम वो क्लास में जाएंगे। ओवर सोल का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता है, एक्चुअली डीएनए एक्टिवेटर ही बहुत कम है इस वर्ल्ड में, बहुत कम लोग। एंड ये जो डीएनए एक्टिवेशन है, जितने लोगों का हो चुका है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत मिनिमम होती है, उनके इमोशनल लोस बहुत कम हो जाते हैं, वो अपने आप को संभालना सीख जाते हैं, या इतनी पावर होती है कि वो उस कैटेगरी में जाते ही नहीं है कि वो उनको क्या इमोशनली एकदम ड्रेन हूं मैं आज, ये वो, ये सब होता ही नहीं। उसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया था ट्री ऑफ लाइफ और फ्लावर ऑफ लाइफ, सो ये जो चीजें हैं ये आपकी लाइफ में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ये सारा कुछ हम डीएनए एक्टिवेशन में सीखेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है और सबसे इजी पार्ट लगता है डीएनए एक्टिवेशन में, जो कि एक्चुअली डीएनए एक्टिवेशन का पार्ट नहीं है बट ये बहुत काम की चीज है, वो है ग्राबोवा डंबर्स। एक्चुअली ग्राबोवा जॉर्जी एक जर्मन पर्सन थे जिन्होंने नंबर्स के वाइब्रेशन के थ्रू कुछ नंबर्स निकाले थे, जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, जिनका आजकल बहुत इधर उधर चल रहा है कि ये नंबर पैसे के लिए, ये नंबर इसके लिए। एक्चुअली जो ओरिजिनल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो ओरिजिनल पर्सन ग्राबोवा जॉर्जी थे जिन्होंने पहली बार इन नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि हर बीमारी का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर होता है, अगर वो नंबर आप यूज करें तो उस बीमारी में बहुत रिलीफ मिल सकता है। वो केवल बीमारियों के लिए या हेल्थ के लिए ही नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने लाइफ की सिचुएशंस के लिए बताया, वो उन्होंने आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भी बताया। बट आजकल क्या है, सबके अपने अपने नंबर्स आ गए, नो वन नोज कि ग्राबोवा जॉर्जी कौन थे, लेकिन क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से तो आपको ओरिजिनल चीजें मिलती हैं कि ये नंबर्स कहाँ से आए। इसके अलावा नंबर्स तो खैर है ही मैजिकल उनके, और उनको मैं बहुत सारे तरीके से यूज करना आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आप किस तरह से उन नंबर्स को डायरेक्टली आप बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली बॉडी के अंदर वो नंबर्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो निगेटिविटी आप लेके घूम रहे हैं वो आप कैसे रिलीज करेंगे वो भी आप इसमें सीखेंगे। That is the most interesting part, जो आज तक किसी को नहीं पता होगा कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है क्या, बिकॉज हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है और जो हमारी बर्थ डेट की फ्रिक्वेंसी होती है जब वो मैच नहीं करती तो हमको वो नंबर के प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, या कहिए कि वो ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कोई 8 नंबर में पैदा हुआ है, कोई 4 नंबर में पैदा हुआ है, कोई 1 नंबर में पैदा हुआ है, नंबर कोई खराब नहीं है, ऑल नंबर्स आर गुड, ओनली उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, तो वो हम मैच कराते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दिस वर्क है ना, इंटरेस्टिंग। सो ये सारी चीजें होती है।
उसके अलावा हम जो ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने अभी ग्रॉबर्स की बात की, या मैंने ट्रीज की बात की, या मैंने बाग फ्लावर की बात की, ठीक है, बाग फ्लावर तो हमको एक्चुअली मिलते भी हैं, ठीक है, ट्रीज तो हम पूरे उखाड़ के किसी के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि उसका कोई एसेंस जूस तो मिलता नहीं, बट उनको हम किसी बीमारी के लिए, किसी लाइफ सिचुएशन के लिए कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, बाग फ्लावर तो मेरे को समझ में आता है आप दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं, एक तरीका और भी है, लेकिन हम क्वांटम में भी उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो वो तो चलिए एक चीज आपने ऑलरेडी अपने क्लाइंट को दे दी, लेकिन आपके अगर लिवर में प्रॉब्लम है, आपके एंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो भी आप इन ट्रीज को इंटीग्रेट करके बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, वो हम पूरा टेक्निक इसमें सीखेंगे। तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। हम अभी जब स्टार्ट करेंगे तो हम 5 जोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम एक्टिवेट करते हैं। वो 5 जोन्स क्या होते हैं, एक्टिवेशन कैसे होता है, वो हम क्लास में करेंगे। दीज आर द जोन्स जो हमने पहले सीखा, हमारे चक्रास को बैलेंस करना, एनर्जाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना, बैलेंस करना, नॉट ओनली इन इन दिस डिमेंशन, इन ऑल द डिमेंशन, इन ऑल द एजेस, जो हम वर्ड यूज करते हैं उसमें, वो भी यहाँ पे हम करेंगे डीएनए एक्टिवेशन में। दैट इज मस्ट थिंग, इसलिए मैंने वो बेसिक में मस्ट करवाया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो जो आपका चक्रा बैलेंसिंग या जो कुछ भी हमने पहले किया वो सब भी इस पे एडेड है, एंड दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बेसिक में सीखा था। जो भी हम सीखेंगे इंक्लूडेड एडवांस थिंग, वो ही केवल डीएनए एक्टिवेशन का पार्ट नहीं है, जो आपने अभी तक सीखा दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसी चीज को हम और भी ज्यादा हायर वेव्स के साथ या ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और हायर ट्रांसफॉर्मेशन देंगे उसको। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ऐसे हाथ रखेंगे और आपकी किडनीज में से सारे फियर्स निकल जाएंगे। डीएनए एक्टिवेशन इज दैट पावरफुल। सो हैप्पी सिंह जी, मेडिटेशन, स्मॉल मेडिटेशन मींस, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेशन के बारे में पूछना चाहते हैं? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हैप्पी सिंह जी, मैडम सभी को कराओ मेडिटेशन एक बार छोटा सा। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक बहुत शॉर्ट मेडिटेशन करवाती हूँ क्योंकि आप लोग क्वांटम में जो लोग हैं दे आर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड काफी। मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। उन्होंने बोला है एक मेडिटेशन के लिए, तो मैं एक मेडिटेशन करा देती हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ठीक जो है। मैंने ट्रिपल फ्लेम और ट्रांसम्यूटेशन बोला है, ट्रिपल फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन जो आपकी बॉडी में चीजों को ट्रांसम्यूट करे, ठीक है। सो आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, आईज क्लोज कर लीजिए। जो कलर्स, जो चीजें मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूं, आप वो इमेजिन कीजिए। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जैसे कि आप पूरी बॉडी में अपनी सांस लेके जा रहे हैं और आपका एक एक सेल उस ऑक्सीजन को ले रहा है और जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकाल रहा है। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलीज ऑल द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर बॉडी एंड ब्रीद इन। वन मोर टाइम, टेक अ वेरी डीप ब्रीद इन, जैसे कि आप अपने एक एक बॉडी के सेल को एनर्जाइज कर रहे हैं। जो आने वाला प्रोसेस है, जो मैंने ट्रिपल फ्लेम बोली है, उसके लिए आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं।
सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद आउट ऑल योर टॉक्सिसिटी फ्रॉम द बॉडी. अब आप अपने दोनों हाथों को इमेजिन कीजिए, जहां पे आपके हाथों की रेखाएं हैं उसको इमेजिन कीजिए, उसमें तीन कलर की फ्लेम इमेजिन कीजिए, येलो ब्लू एंड रेड. इट इज अ डिवाइन फ्लेम. दोनों हाथों में इमेजिन कीजिए येलो ब्लू एंड रेड. ये एक डिवाइन फ्लेम है, ये एक हीलिंग फ्लेम है. जिस भी बॉडी के पार्ट में आप इस फ्लेम को इमेजिन करेंगे वहां पे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो आप धीरे धीरे इमेजिन कीजिए कि ये फ्लेम जो है आपके हाथों से आपके शोल्डर्स की तरफ आ रही है, और शोल्डर्स पे आने के बाद धीरे धीरे जो आपका हार्ट चक्र है, जो मिडिल ऑफ आपका हार्ट है, वहां पे वो फ्लेम जाके मर्ज हो जाती है दोनों, और ये बड़ी फ्लेम बन जाती है. तो जो भी आपका पेन है, जो भी आपका इमोशनल गार्बेज है, जो आप अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, या आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो भी इशू है, आपका फोकस इस फ्लेम पे पूरी तरह रहेगा. फोकस ऑन योर हार्ट, फोकस ऑन द फ्लेम, फोकस ऑन द कलर्स ऑफ द फ्लेम. फ्लेम मतलब एकदम फायर के जैसे, जैसे आग जलती है वैसा. तो कलर्स हैं ब्लू, येलो और रेड. ये तीनों कलर्स की फ्लेम आपके हार्ट में जल रही है, और ये डिवाइन फ्लेम है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा. फील द वाइब्रेशन ऑफ दिस फ्लेम. ये एक डिवाइन फ्लेम है, अभी आपके हार्ट में आ चुकी है, जिसका मेन पर्पस ही आपके हार्ट को हील करना है, जिससे आपके और सारे चक्रास हील हो जाए. ब्यूटिफुली ये फ्लेम आपको हील कर रही है. आप चाहें तो जितना आप ब्रीदिंग करेंगे वो फ्लेम और भी बढ़ती चली जाएगी. Just breathe in and breathe out. Slowly, इस फ्लेम को जैसे ही आपका काम खत्म होता है, जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरा हार्ट हील हो चुका है, मुझे इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, आप इस फ्लेम को डिवाइन लाइट में भेज सकते हैं. और आज के बाद चाहे आप क्वांटम करें या ना करें, आप जब चाहे इस फ्लेम को अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं. स्लोली ये फ्लेम छोटा हो रहा है, स्लोली स्लोली इस फ्लेम को आप डिवाइन लाइट में भेज रहे हैं. आप अपनी इस प्योर बॉडी को, हील्ड बॉडी को आप इमेजिन कीजिए. फिर से आप स्लोली स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए. अपनी बॉडी को महसूस कीजिए, अपने पैरों के फिंगर्स को देखिए, उनको थोड़ा हिलाइए, अपने हाथों के फिंगर्स को थोड़ा मूव कीजिए, और इमेजिन कीजिए जहां आप बैठे हैं आप वहीं पर हैं, आपकी बॉडी वहीं है, जो पहले से ज्यादा लाइट, पहले से ज्यादा प्योर हो चुकी है. आप अब गहरी सांस लेके छोड़िए, जैसा कि जो कुछ रह गया है वो आप अब बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए. और जब आपको लगे कि आप तैयार हैं,
आप अपनी आंख ही खोल सकते हैं. Whenever you are ready, you can open your eyes. हाँ जी, अभी आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं. हाँ राखी जी बोलिए. मॉर्निंग भी नहीं है क्या? सॉरी आपकी आवाज कट रही है. मैम क्या हमें ग्राउंडिंग भी करनी है क्या? ऑफ कोर्स, आपको तो पता ही है बिना ग्राउंडिंग के क्वांटम पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है क्वांटम में. अगर आप उसकी ग्राउंडिंग नहीं करेंगे ना तो आप एकदम लॉस्ट फील करेंगे. या बहुत ज्यादा जब आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग ज्यादा बोलते हैं, वो भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी ग्राउंडिंग नहीं हुई होती है और वो इतनी हाई एनर्जी जोन में होते हैं, उनको पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो ग्राउंडिंग तो मस्ट है. और डीएनए में तो आपका जो मेन ग्राउंडिंग एक्चुअली, जो अगर आप लोगों को याद हो 2012 में ये बात हुआ था ना कि सब धरती खत्म होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एक्चुअली दैट वाज द टाइम जब अर्थ के वाइब्रेशन बहुत बढ़ गए थे. मैडम ऐसा कहा जाता है कि अर्थ ने डायमेंशन चेंज किया था. जिन लोगों का ग्राउंडिंग खत्म हो गया है, दे आर फॉलिंग सिक मोर देन एनी अदर पर्सन. आप समझ रहे हैं? तो ग्राउंडिंग के लिए ही डीएनए एक्टिवेशन हम लोग कर रहे हैं. इतना जो कर रहे हैं बेसिकली, इसमें हमको और ज्यादा ग्राउंडिंग करनी है. इसमें और ज्यादा एक्चुअली ग्राउंडिंग यहाँ पे आपकी बहुत डिफरेंट तरीके से होगी. जो 2012 के लिए जो बोला जाता था वो बात सही थी, बट ऐसा नहीं था कि एक साथ सब हो जाएगा. वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक तरफ पाप बढ़ रहा है या नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो एक साथ स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है. तो एक्चुअली ये इंस्पेक्शन हर साल होता है एंजल्स के थ्रू. जो 12 काउंसिल हैं हमारे, जो देखते हैं कि अर्थ में क्या चल रहा है, उसके बाद डिसाइड होता है व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ऑन द अर्थ, अब अर्थ पे आगे क्या होना है. तो वो हमारा हमेशा बिटवीन 12 to 21st of December होता है. इवेल्यूएशन होता है हर स्टाफ में, हर ऑफिस में. सेम वे हमारा भी होता है. लोग कितने जंगली हो गए और कितने स्पिरिचुअल हो गए, वो सब देखते हैं हमारे एंजल्स. तो ग्राउंडिंग इज मस्ट. और वैसे भी आप चाहे कोई भी मॉडलिटी कीजिए, अगर आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो दिस इज वेरी डेंजरस. एनर्जी आपकी इतनी बढ़ रही है तो उसको ग्राउंड भी करना पड़ेगा ना. तुषार जी सॉरी, मैं ये पूछ रही थी क्वांटम का जो हमारा लेवल है, एडवांस लेवल है या फुल लेवल है, उसके बारे में कुछ और भी मैंने इसमें रह जाते हैं हमारा क्वांटम में, जो आप अभी एडवांस कराएंगे तो फुल है हमारा. राखी जी आपकी ना मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ज्वाला जी, राखी जी पूछ रही है जो हम एडवांस करेंगे डीएनए का, ये फुल कोर्स है डीएनए, तो ये पूछना चाह रही है क्वांटम का. मुझे लगता है कि एक बार क्वांटम के ना कंटेंट्स भी शेयर कर देते हैं, ताकि काफी सारे प्रश्न थे वो भी. हां जी सर, सर बिल्कुल सर. उसके बाद हम एक प्रश्न ले लेंगे. देवेंद्र जी का हैंड रेज है, तुषार जी का, उसके बाद हम ये प्रश्न. जी जी जी. सो मैं एक बार स्लाइड्स लगा रहा हूं, प्लीज यू हेल्प मी टू गो थ्रू दैट स्लाइड. एक मैं स्लाइड लगा रहा हूं, इज इट विजिबल? यस सर, पर अभी कंटेंट नहीं है इसमें, स्लाइड इज विजिबल. अभी विजिबल है? यस यस सर. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द कंटेंट. जरा जी प्लीज गो थ्रू द कंटेंट्स. हाँ जी. सो कोर्स कंटेंट में जो है वो हमारा ट्रीज है, बाग फ्लावर से हीलिंग है, ग्राबोबोआ नंबर से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फॉर हेल्थ एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी.
तो ये तो सारा हमारा मनी, जब मैं मनी एक्टिवेशन कराऊंगी तो ये सारी चीजें अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, हीलिंग विद सेक्रेट रेस। सेक्रेट रेस तो मैंने आपको बताया, देर आर 12 रेस जो मैं बता रही, डिफरेंट कलर की रेस हैं जो डिफरेंट तरीके से आपके डिफरेंट पार्ट जो आपके लाइफ के हैं वो हील करती है, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग वेल्थ, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, एवरीथिंग। ओके, सो आपका जो बॉडी वास्तु है वो श्री यंत्रा जो मैंने अभी डिस्कस किया, और जो फ्लावर ऑफ लाइफ डिस्कस किया वो उसके थ्रू हो जाएगा। और फ्लावर ऑफ लाइफ डीएनए एक्टिवेशन आर्केटाइप्स, आर्केटाइप्स मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड आर्केटाइप्स। तो वो हम कैसे हील करते हैं, जैसे मेरा इनर गुरु है, ठीक है, मेरा इनर फादर है, मैं भले ही एक वुमेन हूँ, देर इज अ फादर एनर्जी ऑल्सो, तो दैट इज कम्स इन आर्केटाइप्स। तो वो हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे वो आप इसमें सीखेंगे, और ऑरा की जितनी भी लेयर्स हैं उनको कैसे हील करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो हमने रेस की बात की थी उनके साथ हम कलर्स भी इंक्लूड करेंगे। सो भले ही रेज अलग हैं, कलर्स अलग हैं, बट दोनों का जब हम यूज करेंगे तो दोनों का कलर और रेज दोनों मिला के यूज करेंगे हीलिंग के लिए। सो आपके मनी बिलीव्स का तो मैंने आपको पूरा डिटेल दिया था कि जितने भी आपके मनी बिलीव्स हैं उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करके नए पॉजिटिव बिलीव्स लेके आएंगे, और उसके पूरी एक लिस्ट मैं आपको दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मनी बिलीव्स जैसे हमने अभी किया था बेसिक में वैसा होगा, नहीं, वहाँ पे आपको पूरे बिलीव्स मिलेंगे और उन्हीं बिलीव्स को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि बहुत रिसर्च के बाद सेट किए गए हैं। तीसरा ट्रिपल फ्लेम ऑफ ट्रांसमिटर जो हमने भी छोटा सा हमने एक मेडिटेशन किया है, बट इट इज वंडरफुल। इससे आपके सारे कार्मिक पार्ट जो हैं, क्योंकि आपकी सोल जो है आपके हार्ट के पास ही रहती है, आपकी सोल जो होती है आपके हार्ट के पास ही होती है, तो जब आप ट्रिपल फ्लेम यूज करते हैं तो आपकी सोल से आपकी मेंटल प्रॉब्लम, जो भी मेंटल इम्बैलेंस है वहां से, आपके इमोशन से, हर जगह से आपका बैलेंस होता है, जो हमने अभी छोटा सा किया। सो एट प्रोसेसेस तो आपको मैंने बताया कि आपका जो जगह है, जो आपको मिलना चाहिए अर्थ पे, जो आपको नहीं मिल रहा है आज की डेट में, आपको लगता है कि अब मैं तो पर्पज ही नहीं है कोई लाइफ का, सिर्फ कमाऊं खाऊं सो जाऊं, वो वहां पे आपको मिलेगा। वो एट प्रोसेसेस हम करेंगे। एक्चुअली मैंने ग्रीफ इंक्लूड नहीं किया इसमें, पर ग्रीफ एक ऐसी चीज होती है जो हर इंसान के अंदर होती है और उसके कई लेवल्स होते हैं। तो आपके अंदर कौन कौन से लेवल हैं और उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपके अंदर से ग्रीफ कैसे निकालेंगे, वो हम इसमें एक प्रोसेस पूरा करेंगे, उसका भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं ना, डीएनए एक्टिवेशन है या मनी, जनरल वेलबींग में क्या होगा, ये सब कुछ का आपको पूरा डिटेल मिलेगा। क्योंकि जितना हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वांटम का, जो बेसिक था, इट इज मोर प्रैक्टिकल, बट यहाँ पे बहुत थ्योरी है और यहाँ पे बहुत हमको डीप लेवल पे जाके काम करना है। तो यहाँ पे आप बिना नोट्स के, बिना डिटेल्स के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल्स है ही इतना कि अगर मैं बोल बोल के भी आपको लिखाऊंगी तो मेरा पूरा क्लास ही उसमें चला जाएगा। तो हम एक्चुअली आपका पहले से सेट होगा कि ये जो हम ट्रीज करने वाले हैं वो कौन कौन से ट्रीज होंगे, वो पहले ही आपको मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। वी ऑल things we are going to do in the class, in entire course. So इसपे कुछ पूछना है तो शादी? The course is scheduled for Tuesday and Thursday 7:30 PM. अभी ये Tuesday and Thursday पे 7:30 पे जो लोग टैरो कर रहे हैं उनका टैरो का है। जब तक टैरो खत्म हो जाएगा, टैरो के बाद ये जो स्लॉट होगा ये Tuesday and Thursday 7:30 PM का स्लॉट भी goes to the quantum DNA. जो नया स्लॉट टैरो का आएगा दैट विल बी अनाउंस्ड टू यू लेटर ऑन, बट बाय द टाइम जो एग्जिस्टिंग टैरो खत्म हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज 2 मंथ्स। जी सर, नीलम गोयनका जी कह रही हैं कि मैंने बेसिक नहीं किया है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं उनके हाउ। हां, मुझे 2 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद आई विल हैंड ओवर टू यू। देन दिस इज 2 मंथ्स जर्नी एंड देन ऑल सेशंस आर लाइव सेशंस ऑन द Zoom and the class recordings are available to you. The all the class recordings will be there and available to you. If this is certification होगा, जो लोग ये वाला course करेंगे, मतलब जिन्होंने दोनों किए होंगे, that will be awarded as diploma. Those who are doing one certificate, one course, it will be considered as certificate. Right? Study note, Ujara ji ने पहले बता दिया, and
and the affordability we have already speaking, and the structure of the fees. Jo hamara existing participant hai, that the course is 2 months and the per month fees is 1579 multiplied by 2 months to give a private. If they pay together, they pay 50% of the amount. Then the amount comes to 2685 after this number is together. And new participants jitne aate hain, then the register 1107 divided by 2, and they, if they pay together, the discount is 25% for them, and it comes to even 25% is reduced for them. And this is the payment detail. I mean, I prefer you make the payment on the first detail. I just do it here, and I also request you all. You just make the payment detail on the, try to make the payment detail on this one. Or jitni details payments hoti hai, I request to please send details only on these two number. The reason agar aap kisi aur number pe dete hain detail jo hamara nahi hoga, us pe scheme applicable nahi hoti. Say the number you share the payment detail, payment slip basically, on the number which is not the academy number, these two numbers are the academy number. तो उसके पास स्कीम्स एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं, एंड तो प्लीज एंश्योर करें इस चीज को. आई थिंक आई कवर ऑल द डिटेल्स. किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चैट के अंदर एक लिंक है, दो पार्टिसिपेंट एनरोलिंग विद अस फर्स्ट टाइम और जो जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम, दे मे यूज दैट लिंक टू ज्वाइन अवर प्लेटफॉर्म. हमारे पास चैट से वो लिंक को पिक करके वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद वो ग्रुप में डिटेल्स सभी शेयर हुए. Just screenshot this, right? Or you may please proceed with the questions. मैम, मेरा क्वेश्चन था जो आपने बताया था कि दोनों ब्रेन को बैलेंस हो गया तो उसमें जीवन में क्या परिणाम यानी फर्क पड़ेगा, तो राइट ब्रेन एक्टिवेशन होगा क्या उसमें? सी, जितने कंफ्यूजन होते हैं ना हमारे लाइफ में, जैसे मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते. इल्यूजन वर्ड आपने सुना, इल्यूजन, भ्रम. हमको कितने भ्रम होते हैं लाइफ में और हमें पता भी नहीं होता है कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं. तो जब आप अपने दोनों ब्रेन को बैलेंस करते हैं तो वो आप इल्यूजन से बाहर आते हैं, आपके भ्रम से बाहर आते हैं, तब आपको क्लैरिटी आती है कि अच्छा ये ऐसे है. दो दूनी चार होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई आदमी अगर दिमाग से थोड़ा कम हो तो वो दो दूनी चार होते हैं इसको समझने में उसको बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट. अगर किसी का ब्रेन बैलेंस नहीं होता तो यही होता है ना, दो दूनी चार नहीं कर पाता वो. जबकि जिसका ब्रेन बैलेंस है उसे पता है दो दूनी चार है, सो इजी टू अंडरस्टैंड, है कितना आराम से समझ सकते हैं इस बात को, करेक्ट. सो ये डिफरेंस होता है कि जब हम अपने ब्रेन दोनों बैलेंस कर लेते हैं तो किसी भी चीज को हम क्लियरिटी से समझ पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज से, किसी भी सब्जेक्ट से बढ़ जाती है. तो ये डिफरेंस है, क्लियर. तो मैम, ब्रेन राइट ब्रेन का एक्टिवेशन होगा क्या इसका इसमें? हम एक्टिवेशन ब्रेन का नहीं कर रहे, हम ब्रेन की पावर को बैलेंस कर रहे हैं. जहां पे कम है वहां पे जितनी होनी चाहिए उतनी हो, और जहां पे ज्यादा है या जो, क्योंकि ज्यादा भी आपको इल्यूजन में ही डालेगी ना. लाइक बहुत हाइपर एक्टिव लोग भी क्या है, वो नॉनसेंस है. उसका अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इट्स देयर इज नो सेंस इन इट. तो जब हम अपने दोनों ब्रेन बैलेंस करते हैं तो हम अपने पूरे एंटायर पर्सनैलिटी को बैलेंस करते हैं. हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमको क्या करना चाहिए, ये क्या चीज है और हमको कौन सी चीज लेनी चाहिए या कौन सी चीज हमको कैसे समझनी है, वो अंडरस्टैंडिंग हमको आती है जब आपके ब्रेन दोनों बैलेंस होते हैं. थैंक यू, थैंक यू. यस, नीलम गोयनका हियर. हाँ नीलम जी, हाँ जी बोलिए. हाँ जी, मैंने बेसिक कोर्स नहीं किया, आपने अभी कुछ बताया था कि बेसिक कोर्स भी है इसका और अभी एडवांस कुछ आप करवा रही हैं. हाँ, तो क्या अंतर है? हाँ जी, आप बेसिक कोर्स के लिए क्या कर सकती हैं, आप वीडियोस बाय कर लीजिए बेसिक कोर्स के, और जब तक ये कोर्स स्टार्ट होता है आप स्लोली वो बेसिक कोर्स आप देखना शुरू कीजिए. तो अगर आपको एक बार क्वांटम फील्ड बनाना आ जाएगा है ना, तो आप एडवांस में आ सकती हैं. बट आई रिक्वेस्ट कि आप वो जो वीडियोस हैं जब भी आपको टाइम मिले वो देखते रहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा एडवांस में थोड़ा और अच्छी तरह से इसको सीखने के लिए. अगर उसमें कुछ डाउट रहे तो वो हम पूछ सकते हैं क्या आपसे बात करके? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम देयर, सेकंड ऑफ ऑल
हमारी पूरी जो टीम है, मतलब जितने लोगों ने सीखा है, वी ऑल आर लाइक फैमिली नाउ. तो आप किसी को भी फोन लगाएंगे, किसी से कुछ भी पूछेंगे, हर कोई आपको हेल्प करेगा. तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी जो आप बोल रही हैं वीडियो बाय करने के लिए? वो आप सबसे डिस्कस कर लीजिए. इट इज सेम जो आपको अभी दिखाया था स्क्रीन पे, इट्स द सेम कॉस्ट. और वो बेसिक कोर्स हो गया, वो वापस नहीं होने वाला है क्या इस एडवांस कोर्स के पहले ऐसा कुछ? इट विल टेक टाइम. एनी कोर्स विल रिपीट, इट विल टेक सम टाइम. इट मे टेक अबाउट 6 मंथ्स टाइम, राइट? अभी क्वांटम डीएनए स्टार्ट हुआ, व्हिच इटसेल्फ विल टेक 2 मंथ्स प्लस टाइम, क्योंकि बीच में कुछ फेस्टिवल ही आ गया, कुछ और आ गया, तो 2 महीने मोटा मोटा प्लस 2 महीने में और एक दो हफ्ते आगे, इट विल टेक दैट टाइम. उसके बाद और कोर्सेज पाइपलाइन में है, उन सबको मिला के करीब करीब 6 से 8 महीने लग जाएंगे इसको रिपीट आने. हाउएवर Whenever repeat come, it is free for you. The academy provide repeat is always free. जब भी से दो people did quantum, अभी जो उन्होंने recently close किया, उनमें कई लोग ऐसे थे quantum में जिन्होंने quantum पहले किया था फरवरी के course में, और उन्होंने यहाँ पर repeat किया था. That was absolutely free for you. जिन्होंने अभी किया first time, उनके लिए जब भी नया course launch हुआ quantum के, that the quantum will be free for you. And so is for you also, right? और अगर ये अगर सपोज मैंने बेसिक का वीडियो नहीं लिया और डायरेक्ट मैं ये करूं तो चलेगा? आपको चले में कोई दिक्कत नहीं है, चलाना तो आपको है, नहीं चलाना ठीक. अब आपको थोड़ा तकलीफ उसमें ये होगा कि आपको ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा मैथ करनी पड़ेगी सब्जेक्ट को ग्रैप करने. सो उसमें क्या होता है कि आप ग्रैप, ये आपकी अपनी क्षमता है कि आप कितना सब्जेक्ट के बीच में जा पाते हैं, ये आपकी क्षमता है. इसमें हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आपकी आप कितना, ये आपके ऊपर आप कितना टाइम देते हो सब्जेक्ट को. आप बोले आप कर सकते हो, आप टाइम ही नहीं लोगे तो फिर कैसे करोगे? और इसके बाद में भी कुछ इससे रिलेटेड होगा कि क्वांटम का नहीं होगा? क्वांटम नहीं होगा, क्वांटम के दो ही मतलब इसका फुल स्टडी हो जाएगा, मतलब हमें सब नॉलेज हो जाएगी, क्वांटम की नॉलेज हो जाएगी. व्हाइल सेइंग दिस, एक चीज बड़ा सिंपल मूल मंत्र है, कुछ भी खत्म नहीं होता जीवन में, इट इज एंडलेस. सो द जर्नी इज एक्चुअली एंडलेस. हाउएवर जितना क्वांटम ये आपको डिलीवर हुआ, दिस इज अ गुड एनफ क्वांटम टू डू अ मास्टर प्रैक्टिस, राइट? सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एडम करना चाहूंगी, जो जो ये पूछ रही हैं कि आगे क्या है. एक्चुअली जो नया है, जो अभी मैं खुद स्टडी कर रही हूँ, जो मेरे पास अभी पूरा मटेरियल आया है, वो है क्वांटम लाइफस्टाइल के ऊपर. तीसरा जो नया है, क्वांटम योगा आया है ना. तो क्या होता है जब कोई एक चीज आती है हमारी समझ में कि भाई ये काम कर रही है हमको, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड करते जाते हैं. एक्चुअली ये जो हम आज कर रहे हैं ना, एक क्वांटम एडवांस का वेबिनार, ऑलरेडी ऑन डिमांड हमने ये दूसरी बार किया है बेसिक. तो अभी हम एडवांस में जा रहे हैं. तो मैडम मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटर है कि आप बेसिक का वीडियो जरूर देख लीजिए. फिर भी कुछ होता है तो आप जब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम हो गया है, अभी तो जब भी बेसिक शुरू होगा तो आप वहां पे इंक्लूड कर लीजिए कुछ, क्योंकि देयर यू डोंट हैव टू पे, तो आप वहां पे कर लीजिए. तो आपका डीएनए एक्टिवेशन अच्छा होगा. और ये डीएनए एक्टिवेशन आप पर्सनली मतलब करेंगे ना, 1-to-1 जैसे, या जो भी होता है डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस? आप क्लास में आइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, ये जो बेसिक कोर्स है ये कितने टाइम का है जो हमें आप परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने बेसिक नहीं करा? एक्चुअली इट इज 2 मंथ जो अभी हमने किया, वो हमने आई थिंक एक सर 1.5 महीने में कर लिया होगा, क्योंकि हमने 3 क्लासेस रखी थी. जनरली देयर आर 2 क्लासेस इन अ वीक. आपको दो तारीख को स्टार्ट हो जाएगा.
बट सर टैरो फिनिश नहीं हुआ है अभी हमारा, तो मैडम टैरो के लिए एक दो क्लास आगे हो जाएगी, मतलब फॉर्म कर लेंगे, दैट दैट यू विल डू दैट, अगर दो को नहीं होगा तो चार को हो जाएगा, दैट आई विल सी द टाइम टेबल, नॉट एन इशू। ओके थैंक यू। आप राखी जी ये चिंता मत करो, आपको टैरो का मिसिंग नहीं होगा और ये अपनी जगह होएगा, दोनों का नहीं सर, हमें चिंता कोई नहीं क्योंकि वो तो आप लोग हैं, तो चिंता की क्या बात है, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं सर, सबका ध्यान रखते हैं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, आप हेलो। हां जी सर। हेलो, हां मैम, मैं सुधाकर बात कर रहा हूं। हां जी हेलो। एक्चुअली सागर जी एक मिनट प्लीज प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि काफी लोगों के हैंड रेज है, आई रिक्वेस्ट इफ यू वी कैन कम इन क्यू, तो उससे क्या होगा सबके लिए कंफर्टेबल रहता है। हेलो तो क्या बताया, आवाज नहीं क्लियर है आपका। सागर जी मैंने आपको बोला कि आप एक बार अपना हैंड रेज कर दे, पीले वाला हाथ, येलो हैंड। अच्छा हेलो, हाँ हाँ ओके ओके, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी हाँ जी। हाँ मेरा सवाल मैम ये था, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ हूँ, जस्ट ड्यूटी से अभी लेट आया ना, तो मैम ने शायद पूनम मैंने मुझे अभी लिंक भेजी थी, तो मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। ओके तो ये क्वांटम फिजिक्स और स्पेशली आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग फॉर थीटा हीलिंग। ओके जो मैंने कल इवनिंग में आपको यूट्यूब पे देखा था डिटेल्स, तभी आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो पहले क्या बताया मुझे पता आइडिया नहीं है, तो लेकिन बहुत सारी बातें जो अभी हुई वो थोड़ा बहुत समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये सिंपल एक क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं कि मेहनत की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, या बेस्ट हीलिंग की जरूरत है, इसमें तीनों में आप बेस्ट सोल्यूशन क्या है, और जितनी भी ये इंस्टीट्यूट है आपकी, तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए यानी हेल्थ के लिए तो है ही, बट बेस्ट फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी हीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है उसमें से बेस्ट कौन सी है? सी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, मॉडलिटी सब अच्छी है। ओके क्वांटम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके दैट इज व्हाई आई लाइक क्वांटम। ओके दूसरी चीज जो आपने फाइनेंस की बात की, सी आपकी जो एनर्जी है बॉडी की, यू आर द फाइनेंस, यू आर द रिलेशनशिप एंड यू आर द हेल्थ एंड यू आर द प्रोस्पेरिटी, सब कुछ आप ही हैं, क्योंकि ये जो पैसा भी आ रहा है वो आपकी एनर्जी से आ रहा है ना। क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं होती। या और कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन नहीं होती तो अर्निंग भी ज्यादा। टाटा बिरला की क्वालिफिकेशन तो हमें किसी को पता नहीं लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो आप जानते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज द एनर्जी लेवल, आपके थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है कि हाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ, है ना। तो ये जो आपका ब्रेन है ना, यही सब कुछ है, ब्रेन आपका मास्टर है आपकी बॉडी का, आपकी हर एक्टिविटी का, आपकी लाइफ का। तो जब आप डीएनए एक्टिवेशन करते हो, यू आर अपलिफ्टिंग योर कैपेसिटीज to deal things in your life. Okay, got अगर it. आपका वो मैंने example अभी इनको ये दिया था कि दो दूनी चार होते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, सबको समझ, लेकिन एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा, because that brain is not balanced. तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो अगर ये चीज हम और ज्यादा हायर लेवल पे बैलेंस करें, और ज्यादा लाइक आई सेड कि फोर टाइम्स ही होता है आपके पूरे लाइफ टाइम में, तो कितना पावरफुल होता होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि चार बार से ज्यादा वी आर नॉट अलाउड टू डू, है ना। तो अगर आपका यही पावर और बढ़ जाए तो आप हर चीज को आसानी से एक्सेसिबल करेंगे, मतलब आप किसी भी चीज को पा सकते हैं, वो कोई भी चीज को अपनी ग्रैब में ले सकते हैं, ये करना है इसके लिए ये रास्ता ठीक रहेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, आपको क्या करना है, डिसर्नमेंट, आप समझते हैं ना, डिसर्नमेंट की ये करें कि ये करें कि ऐसे करें, yes, वो डिसर्नमेंट पावर आपकी बढ़ जाएगी। या दैट इज द डिफरेंस। Got it, ma'am. Thank you so much. Devinder ji ka question lene zara ji please. Ha Devinder ji please boliye. Namaskar madam. Namaste. मैडम एक तो चलो कई लोगों ने यही बात डिस्कस की कि जैसे मैंने बेसिक कोर्स तो नहीं किया है, ठीक है ना जी। तो उसमें अगर मैं ये ज्वाइन करता हूँ क्या मुझे मुश्किल आएगी, ये तो आपको ज्यादा पता है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बारे में,
अगर मैं डायरेक्ट ज्वाइन करता हूँ नंबर, तो जैसे थीटा का कोर्स मैं आपसे कर रहा हूँ और उसमें ऑलमोस्ट आपने हमें बताया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं और मैं कर भी रहा हूँ, उसके रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं। जैसे किडनी पेशेंट है विद इन ए मंथ वो कैसे उसकी यूरिनेशन जो डॉक्टर बोल रहे थी पास ही नहीं हो सकती वो हो गई और वो इंडिविजुअली अब इंडिपेंडेंटली डाइजेस्ट के जाना शुरू कर दिया। और सेकेंडली मुझे, मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं किया था, अब करता हूँ, कि मेरा एक क्लाइंट था जिसको 10 जून को एक्सीडेंट हुआ स्कूटर का और उसकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं था जिसमें वो उसको चोट नहीं लगी, पूरी बॉडी छिल गई थी उसकी, आंख के नीचे का हिस्सा बिल्कुल दब गया था और डॉक्टर ने इसको बोला था कि यहाँ आपको सर्जरी होगी और नंबर दो 6 से 8 महीने आपको लगेंगे तब आप रिकवर हो गए। तो मेरे को उसका 15 जून को फोन आया था और मैंने थीटा ही तब से आपकी क्लास कर ही रहा हूँ मैं, और मैंने उसको थीटा से हीलिंग करना शुरू किया। वो एक पानी भी नहीं पी सकता था, उसका पूरा जबड़े कोई शरीर का अंग बचा ही नहीं था जहां चोट नहीं लगी थी। रात को वो सो भी नहीं पाता था, बैठ के काटता था। तो उसमें थीटा की जो पावर मैंने देखी, मैं आपको पता है हीलिंग जानता हूँ 20-22 साल से, लेकिन ओनली मैं थीटा ट्राई किया, 15 दिन में उसके पूरे जख्म भर गए नया, यानी कि सारे जो उसके चोटें थी वो ढील हो गई। तो अभी उसको आज उसका मुझे फोन आया कि वो अपनी जॉब पे वापस लौट गया। वेरी नाइस। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि बोन्स आर द फर्स्ट थिंग इन योर बॉडी जो सबसे पहले हील हो जाती है, और किसी पार्ट को आप हील करेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन बोन्स सबसे पहले हील होती है, जबकि बोन्स आपको लगता है बहुत स्टिफ है तो हील कैसे होगी, लेकिन बोन्स सबसे पहले हील होती है। तो कल की क्लास में आपने तो जो मुझे हीलिंग का मेथड सिखाया था वो तो मैं वैसे फर्स्ट डे से कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस से कर रहा हूँ, लेकिन आज एक बिल्कुल नया टेस्टिमोनियल था मेरे लिए कि 1 महीने में वो अपनी जॉब पे लौट गया है। हाँ थोड़ी बहुत इंजरी रह गई है, ज्यादा वो आंख के नीचे की थोड़ी रह गई है, बाकी पूरी बॉडी उसकी हील हो गई है। जो डॉक्टर बोल रहे थे 6 महीने से पहले होगा ही नहीं, सर्जरी तो उसकी बात ही खत्म हो गई सर्जरी की जहाँ जरूरत थी। तो एक्चुअली मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि थीटा से अगर मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्वांटम करने से क्या इसको मिक्सिंग में तो नहीं हो जाऊंगा? देखिए क्या है, थीटा का अपना एक काम है, हर मॉडलिटी मुझे ऐसा लगता है उसका एक अपनी जगह है, अपना एक काम है। जो जो मैं आपको अब बोलने वाली हूँ वो ये है कि जैसे आपने खुद ही अभी एक एग्जांपल दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है जी, जी, उसको आपने थीटा से हील किया जी, और वो हील हुए जी। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको, लेकिन अगर ऑलरेडी मैं ठीक हूँ, मुझे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे एक लेवल अप जाना है, उसके लिए आपको डीएनए एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी। थीटा के थ्रू नहीं कर सकते, वो कमांड नहीं दे सकते। होता है, लेकिन थीटा में यूथ एंड वाइटिलिटी डीएनए एक्टिवेशन होता है, इट इज फॉर योर स्किन एंड फॉर योर एंटी एजिंग, जैसे गोली आप कोई खा लेते हो तो वैसा होता है, लेकिन ये डीएनए एक्टिवेशन का पावर कुछ और ही है। तो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, थीटा का जो आपने जो आप केसेस ले रहे हो वो थीटा में हो सकते हैं और थीटा से बहुत अच्छे से आप हील कर सकते हैं, ठीक है, मे बी के इफ यू वांट टू यूज रेकी और सम अदर थिंग आप वो भी कर सकते हैं। जो डीएनए एक्टिवेशन है उसका पर्पज है कि आपका जो एंटायर लाइफ है और आप उसको अपलिफ्ट करना चाहते हो, हर चीज, नॉट ओनली वन थिंग कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए या मेरा रिलेशन, हर चीज आप एक साथ उसका लेवल ऊपर कर सकते हो, ये डिफरेंस है दोनों में। जिसकी किडनीज खराब है उसका हम डीएनए एक्टिवेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाए, किसी हर आदमी का हम डीएनए एक्टिवेशन नहीं कर सकते। सो डीएनए एक्टिवेशन जो होता है वो इसीलिए ये प्रोसेस के थ्रू जाता है। पहले हमने बेसिक क्यों किया, क्योंकि हमको बॉडी को उस स्टेज में लेके आए जहाँ हमारी बॉडी तैयार हो, नाउ इट इज, ये बहुत हायर लेवल का प्रोसेस है, ये डीएनए एक्टिवेशन भी बहुत कम लोग करते हैं वर्ल्ड में। तो मुझे आप ये गाइड करें कि क्या मैं अगर इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो बेसिक क्या मुझे सीखना ही पड़ेगा या मैं इसको
कैप्चर कर सकता हूँ। हाँ, ये आंसर मैं आपको देती हूँ। अगर आप वीडियोस खरीदते हैं, जब भी आपको टाइम लगता है, अगर आपने 4-5 वीडियोस भी देखे तो आपको क्लास में क्या हो रहा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप डायरेक्ट क्लास में आते हैं, आपको नहीं पता कि बेसिक में क्या हुआ, तो कई जगह शायद आपको कुछ चीजें अटके कि अच्छा ये ऐसे कैसे हो रहा है, राइट। तो वहां पे मैं आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, है ना, पर ये आपके ऊपर भी है क्योंकि यू आर अ वेरी गुड हीलर, हो सकता है आपको समझ में आ जाए और आप उसको कर पाए, वो आपके ऊपर। बट मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप भले सारा मत देखिए, लेकिन शुरू के अगर आपने 4-5 वीडियोस भी देख लिए तो यू आर सॉर्टेड, फिर आप आराम से एडवांस में समझ में आपको आ जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो आप वो कर लीजिए। ये देखना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस इतनी हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि टाइम ही डेली तक। क्वांटम सबसे इजी मॉडलिटी है, ना आपको कोई टाइम चाहिए, ना ही आपको कोई यू नो जगह ऐसी होनी चाहिए, आपको आलती पालती मार के बैठना है, आपको ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांटम आप सड़क पे चलते हुए भी कर सकते हो, बस में बैठ के कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो। तो क्वांटम का प्रैक्टिस तो बहुत ही इजी है, उसके लिए कोई सरदर्द है ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम का ब्यूटी ये है कि इतना फास्ट और इतना वो होता है कि आपको टाइम देने की जरूरत नहीं, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप उस चीज को थोड़ा समझ लेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो हो जाएगा, फिर आप एडवांस में आराम से बैठ सकते हैं, मतलब आपको कोई आप कहीं अटकेंगे नहीं। बाकी अगर तो आप उसके लिए मैडम जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि 4-5 वीडियो पहले ले लें, तो जैसे उसका कोर्स आपका 2 मंथ का था तो मैं 1 मंथ का खरीद लूं तो उससे काम चलेगा? नहीं है। अगर बेसिक जी, जी, जी ऐसा है कि कोर्स या तो पूरा है या नहीं है, इट कैन नॉट बी इन बिटवीन, कांट बी इन बिटवीन। तो वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगी देवेंद्र जी, प्लीज डोंट हेसिटेट टू बाय वीडियोस। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हीलर हैं, अगर आप इसका एडवांटेज लेंगे, मतलब क्वांटम का, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस हो, आप आपकी मॉडलिटीज में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आप उसको एक चीज एड ऑन कर लेंगे। आप और अच्छी तरह से, मैंने 2 महीने से RKP का कोर्स खरीद रखा है, अभी तक 2 वीडियो मशीन बिल्कुल देख पाया। देवेंद्र जी आप देख लीजिएगा, मतलब इट्स ए लॉन्ग डिबेटेबल, लेट्स मूव ऑन, आई मीन यू कैन डिसाइड, अगर आप पर्सनली बात कर लीजिए, लेट्स मैं आप सोच लीजिए, देख लीजिए। तो मैं तुलिका जी का प्रश्न हैंड दे रहा हूं, तुलिका जी प्लीज आप बताइए। मैम एंड सर, मेरा भी सेम ही करीब क्वेश्चन यही है। एक्चुअली मैं हाल फिलहाल ही थीटा ज्वाइन की हूँ, तो थीटा में तो जब मैंने कोर्सेस परचेस की है तो मैं अभी तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा वीडियो ही अभी तक देख ही नहीं। तो मैम मेरा क्वेश्चन था कि उसमें भी DNA हीलिंग है, तो मैम मैं अगर थीटा को देख लेती हूँ अच्छे से किस प्रोसेस से हम लोग थीटा वेव में जाके हीलिंग करते है, तो क्या मैम मैं आसान सी तरीका सीख रहा हूँ, यू ऑल आर हीलर, यू ऑल आर ऑकर साइज प्रैक्टिशनर्स, राइट, एंड अदर वे यू आर ऑल आर डॉक्टर्स, क्योंकि जो किसी को सहायता करे हील करने में या ऊपर आने में डॉक्टर उसके लिए। क्या कोई डॉक्टर अपने ज्ञान की लिमिटेशन बांध सकता है? क्या कोई डॉक्टर ये कह सकता है जी मेरा MBBS हो गया धन्यवाद, इसके आगे मुझे MD नहीं चाहिए, या इसके बाद मुझे फलाना स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, या इसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहता? अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम वहां पे सीमित हो जाएंगे, इट इज अवर चॉइस। नहीं सर, एक्चुअली आप ठीक ही बोले, एक्चुअली इतना सारा कोर्सेस है ना कि इसके बीच में ना टाइम नहीं मिलता है कि वो ही कंप्लीट करे, फिर क्या होगा सर? हमारी सेल्फ मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। और सर एक बात है, एक जी कोर्सेस हम कर ही ले रहे हैं
तो क्या सर अगर इसके बाद हम एडवांस ये कोर्स अगर करते हैं तो इसके बाद जो मतलब हम लोगों का मेरा अगर सर्टिफिकेट होगा तो क्या वो मतलब डिप्लोमा कंसिडर होगा? यस, जो लोग बेसिक्स को पहले कर लेते हैं बाय द टाइम एडवांस शुरू होगा तो वो तो उजाला जी टेस्ट कर ही लेंगे ड्यूरिंग द क्लास की आपने वो वीडियो देखी है या सिर्फ लेके बस्ते में रखी है, वो तो उजाला जी टेस्ट कर लेंगे। जो लोग कर लेते हैं सीरियसली कर लेते हैं उसको पूरे कोर्स को ऑब्वियसली उनके लिए ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिप्लोमा बाय डूइंग बोथ ऑफ राइट। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, 24 घंटे सबके पास है, टाइम मैनेजमेंट आपका अपना अपना है, मेरे लिए भी 24 है आपके लिए भी 24 है, मुझे इस 24 के अंदर अपनी जॉब भी करनी है, अकेडमी भी चला रही है और आपके साथ भी क्रिएट कर रहा है, आपके पास भी वही टाइम है, आपको भी अपना काम भी करना है, आपको लर्निंग भी करनी है, इट्स फॉर यू, यू नीड टू डिजाइन योर 24 आवर्स। I can help you out wherever you stuck. You can personally connect me. Wherever best work, whatever best I can do, job will do. इसके साथ किसी और का जो परेशान है with respect to the course, curriculum or structural design, please ask your questions. With respect to the course, curriculum, structural design और जो ज्वाला जी ने अब तक पढ़ाया उससे संपर्क में कोई भी किसी का परेशान है please ask your question. जी आयुष्मान जी। सर मेरा सवाल आपसे है कि मैंने पास्ट लाइफ रेडिएशन, थीटा हीलिंग और क्वांटम हीलिंग दोनों तीनों ले लिए, लेकिन मेरे को इसमें इशू ये आता है, दिक्कत ये आती है कि कई बार मेरा सफर चल रहा होता है और मैं 10 घंटे तक सफर में रहता हूँ और मेरा नेटवर्क स्पीड नहीं आती, और मेरे को ये हेल्प मिल जाए कि मैं वीडियो डाउनलोड कर लूँ तो ये 10 घंटे में मैं कम से कम 5 वीडियो देख सकता हूँ। आयुष्मान जी डाउनलोडिंग नहीं हो पाएगा, उसका रीजन है बिकॉज ये जो हमने डिजाइन किया है ना आफ्टर ए वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, रीजन उसका ये था अर्लियर वी डोंट डू दैट बट अनफॉर्चुनेटली द फैकल्टीज डिलीवरिंग द सब्जेक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड विद द नो कॉस्ट एक्चुअली एंड व्हाइल डूइंग डाउनलोडिंग द वीडियोज आर गेटिंग मार्केटिंग एंड वी डोंट वॉन्ट इट, वी वॉन्ट टू कंट्रोल द मार्केट वीडियोज। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट जानते, पीएचपी जानते, इसमें क्या होता है जैसे जो हमारा ऐप है इसी में वीडियो प्ले होगी, इसके अलावा कहीं पे प्ले नहीं होगी और उस वीडियो को कोई भी देख भी नहीं सकता क्योंकि हम उसमें एक तरीके का फॉर्मेट चेंज कर देते। तो ये चीज हाँ, तो ये आप बात करेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें एप्लीकेशन में ही ऐसा प्रोविजन हो जो ऑफलाइन चल जाए उसके। जी हाँ, तो उसमें मुझे एक मिनट है, मुझे डेवलपर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑनलाइन कनेक्ट होती है वीडियोस की जो है लिंक के थ्रू ऑनलाइन कनेक्ट है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कर पाएंगे बट आई हैव टू चेक दिस। आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, मैं एक बार डेवलपर से बात करके आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। एज ऑफ नाउ इसका जो हमारा सिस्टम सेट है अभी तो हुई है बट यस योर पॉइंट विल बी डिस्कस विद द डेवलपर। थैंक यू। Any other question anyone have, please raise your question, raise your ask your question or कोई भी query, कोई भी doubt किसी का है और किसी का कोई भी doubt नहीं है तो हम ये subject शुरू करेंगे Tuesday से शुरू करेंगे, Tuesday और Thursday से, obviously after finishing the tarot and then the date will come very soon, either this will be second, अगर second नहीं हो तो fourth तक हम कर लेंगे इसको start, fourth of the August तक, and those who are interested please get yourself enrolled into the subject or आपके पास जिन लोगों ने बेसिक अभी करना है उनके पास भी करीब हफ्ता 10 दिन आ जाएगा इन बिटवीन, हफ्ता 10 दिन के अंदर वो लोग भी वीडियोस अपनी क्लोज कर सकते हैं, देखते हैं उनकी क्वारीज हो तो डाल सकते हैं और वी विल रिजॉल्व द क्वारीज, ग्रुप पे भी हम बता देंगे क्वारीज और ड्यू टू जर्नी हम क्वारीज करेंगे और डिटेल्स मैंने सारी शेयर कर दी है, उजाला जी ने सारा कोर्स डिलीवर कर दिया है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे टच कर में रह सकते हैं, जो नंबर मैंने शेयर किया मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, इन नंबर पे आप हमारे को कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन किसी भी नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं, दो नंबर साइड में नोट पे दिए हैं, इन दोनों में से किसी नंबर पे आप हमें फोन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी किसी प्रकार का सहयोग चाहिए हमसे तो यू आर ऑल वेलकम एंड यू मे कनेक्ट विद अस। और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है और उजाला जी आपको कुछ डिलीवर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आज की सभा का स्वागत करने की आप सबसे इजाजत चाहें। जी उजाला जी नहीं सर, बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को एनरोल करना है प्लीज एनरोल कर लीजिए और अगर बेसिक नहीं भी किया है तो वीडियोस ले लीजिए
क्योंकि ये जो जर्नी है हमारी एडवांस की, वो जर्नी बहुत सुंदर होने वाली है. आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, क्योंकि क्वांटम में जो है वो किसी और मॉडलिटी में नहीं है, क्योंकि हम हर मॉडलिटी में डीएनए एक्टिवेशन नहीं करते. जैसा कि मैंने बताया, थीटा में भी हम यूथ एंड वाइटिलिटी डीएनए एक्टिवेशन करते हैं, नॉट द एंटायर एक्टिवेशन. ओके, सो जिन लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि भाई मुझे क्वांटम सीखना है, तो कोई हार्म नहीं है. आप अगर 3-4 एपिसोड भी देख लेते हैं या 3 भी देख लेते हैं बिगनिंग के, जहाँ पे हम क्वांटम फील्ड बनाना सीखते हैं, उसके बाद आप एडवांस में आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप ये सब सीख पाएंगे, इंक्लूडेड कि जो चीजें रह गई है वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसे करना था. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा. जी, दैट इज फॉर श्योर यू कैन चेक डीएनए क्वांटम डीएनए फ्रॉम द राइट मास्टर्स, कहीं आपको नहीं मिलेगा. राइट, मास्टर्स वो होंगे जिन्होंने उनसे सीखा है, जैसे क्वांटम बोला दीपक जी का, आपने उजाला जी ने बोला, जिन्होंने क्वांटम डिस्कवर किया. तो ऐसे लोग जिन्होंने दीपक जी से डायरेक्टली सीखा हो और क्वांटम डीएनए कर रहे हो एट दिस नो फी स्ट्रक्चर, एक्चुअली एज गुड एज, आपको नहीं मिले. आप ट्राई करिए. एक्चुअली दिस इज दी ग्रेटनेस ऑफ उजाला जी ओनली. She has been ready to do that delivery of that subject actually. ये चाहती तो बता कर देते कि भाई हम नहीं करना चाहते तो ठीक है, it's their call. But then that's a great loss of her only in the interest of the participant and samaj. Let samaj to move on. तो आपके ऊपर है, आप इसको देखें, पढ़े, समझे, आगे बढ़े. और if nothing is there, कोई question किसी का नहीं है, तो आज के लिए हम आप सबसे ज्यादा चाहेंगे कि ज्यादा जी आप closing करें. जी. So thank you everybody. Thank you ma'am. See you everybody in DNA activation class. Thank you sir. Thank you ma'am. With full energy and full enthusiasm ki bhai yes, ab DNA activation karna hai, ab apne vibrations ko aur badhana hai. Thank you all of you. Thank you. Aasakko namaskar. Thank you very much everybody. For your time, for your energy, for joining today's webinar. Thank you. Thank you sir.